मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। आज मैं बहुत खुश हूँ, उसकी वजह यह है कि मेरे घर एक ऐसी मेहमान आने वाले हैं जो जब भी आपके घर ईद पर पहुंच जाते हैं और आप एकदम दरवाजा खोलते हैं तो आप चीख मारते हैं। कैसे चीख मारते हैं जरा बताएं। अरे आप, लगता है भूले भटके हमारे घर आ गए। आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए आप, तो ईद का चांद हो गए हैं भाई। हमारी याद आज कैसे आ गई। और आप उस मेहमान को देखने के बाद एक्साइटेड हो जाते हैं, मजे मजे के खाने किचन में जाके जल्दी जल्दी तैयार करते हैं और कहते हैं एक मिनट रुकिएगा, जरा आप टीवी देखिए या आप फलानी से बात करें या फलाने से बात करें, मैं दो मिनट में आई। और जाके अपने ईद का सबसे अच्छा जोड़ा निकाल कर पहन कर आते हैं, खुशबुएं लगा के। घर में जो परफ्यूम कैंडल्स होती हैं वो जलाई जाती है क्योंकि ये मेहमान कभी कभी आपके घर आते हैं। आज जिस मेहमान को मैं आप लोगों से मिलवाने वाली हूँ वो यहाँ से बहुत दूर रहती हैं और रहते हैं, मगर जब भी वो पाकिस्तान आते हैं तो वो हमेशा अपने फैंस का दिल नहीं तोड़ते बल्कि उनसे मिल के जाते हैं, अपने फैन से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से, जो जो उन्हें याद करता है पूरे साल या पूरे साला साल उसको खुश करके जाते हैं। और आज तो सोने पे सुहागा है कि वो लिविंग लेजेंड जो इस वक्त शो पे आने वाली हैं वो आज पहली दफा अपने बेटर हाफ के साथ हैं, यानी कि हमारे दूल्हा भाई के साथ हैं। आज आज हम उनकी जबानी नहीं बल्कि उनके उनकी जबानी जानेंगे कि वो बीवी कैसी है, माँ कैसी है, बहू कैसी है और भाभी कैसी है। कितनी सुगने घर पर साफ रखती हैं कि नहीं, बच्चे को सही खाना खिलाते हैं कि नहीं, बड़ी घरेलू माँ अंदर से मेरे जाग गई है। जैसे कोई अपना जब हमारे घर आता है तो हम उसका हाल अहवाल जानने की कोशिश करते हैं, वैसे ही हमारी अपनी प्यारी सी, खूबसूरत सी, सुघड़ सी रीमा जी आएंगी आज डॉक्टर तारिक के साथ। हमारे पूरे पाकिस्तान के दूल्हा भाई डॉक्टर तारिक साहब, जो हमारी हसीन, खूबसूरत, ग्लैमरस रीमा को ले उड़े जनाब सबकी नजरों के सामने से, अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी काबिलियत से, क्योंकि रीमा का दिल जीतना आसान नहीं था मगर ये जीत के ले गए हमारी लिविंग लेजेंड को। आइए उन दोनों से आज आपकी मुलाकात कराऊंगी, तो आपके सामने जो शीर खोरमा, सवैया, मिठाइयाँ रखी हैं उनको हटा दीजिए क्योंकि आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जो सुबह सुबह आपके कानों में रस घोलने वाला है वो शीर खोरमा और सवैया और मिठाई नहीं घोल सकती। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलेंगे मिस्टर एंड मिसेस डॉक्टर तारिक से, रीमा और तारिक साहब से। अच्छा भाई, यहाँ जो ऑडियंस बैठी है मैं तुम लोगों के पास आने वाली हूँ और मैं इन सबसे पूछने वाली हूँ कि रीमा की क्या क्या चीज, कौन कौन सा फीचर इन्हें सबसे हसीन तरीन लगता है और गेस करते हैं कि डॉक्टर तारिक को रीमा की कौन सी बात, कौन सी अदा सबसे ज्यादा भाई है। चले आए जरा गेस करते हैं, उनके आने से पहले हम जरा कसौटी खेलते हैं। हाँ भाई जी कहिए। रीमा बहुत नरम मिजाज और बहुत मजहबी, बहुत अच्छी, कि उनकी बातें ना दिल में बहा जाती है। आपकी रीमा को बहुत अच्छा बात करने का, आपको सबसे अच्छी बात रीमा की ये लगती है, बहुत अच्छा। आइए जी और पूछते हैं हम आपसे जी, क्या सबसे अच्छी बात लगती है आपको रीमा जी की? सर पे दुपट्टा ओढ़ती है, ये बात बहुत अच्छी लगती है। हाँ क्या बात है, वो बता रही थी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बाहर मुल्क में रहकर भी सर पे दुपट्टा ओढ़ती है। वाओ, उनकी ये बात बहुत अच्छी है। जबरदस्त, सबसे खूबसूरत चीज क्या है उनके चेहरे में? मैं तो रीमा जी की बहुत ही बड़ी फैन हूँ और मैंने दुआ करी थी कि यकीन करें कि मैं जाऊं तो मुझे रीमा जी देखने को मिल जाए।
मैं बिल्कुल ऑन एयर ये बात कह रही हूँ और मुझे बहुत शौक था उनको देखने का। ये देखिए जी, इन्होंने ईद का चांद देखा। जब ईद का चांद देखते तो लड़कियां दुआ मांगती हैं, अल्लाह मियां मेरी अच्छी सी जगह रिश्ता हो जाए। मगर आज एक लड़की ने ये दुआ मांगी, अल्लाह मियां मुझे रीमा दिखा दे। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल मुझे बहुत ही पसंद है, बहुत ज्यादा। थैंक यू जी। तो जनाब, आपको हम ज्यादा वेट नहीं कराने वाले, क्योंकि छोटे से ब्रेक के बाद यहाँ एक बहुत खूबसूरत शो आपके लिए सजाया गया है। सुबह सुबह आपके पूरे दिन को अच्छा बनाने के लिए हम हैं ना आपके सामने। और सोने पे सुहागा आज तो दोनों मियां बीवी होंगे जनाब, निदा यासिर के सामने। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ब्रेक के बाद मिलिए रीमा जी और री और टी, यानी रीमा जी और डॉक्टर तारिक साहब से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। पाकिस्तान और वादे के मुताबिक सवैयां, शीर खुरमा, मिठाइयां हटा दीजिए टेबल से, क्योंकि आज की सुबह आपके कानों में मिठास घोलने के लिए एक ऐसा खूबसूरत कपल है जिसका आपको है सदियों से इंतजार। क्योंकि जब से इनकी शादी हुई है कभी भी दोनों एक साथ ऑन स्क्रीन अपेयर नहीं हुए। जनाब आइए वेलकम करते हैं आप सबकी फेवरेट लिविंग लेजेंड रीमा एंड डॉक्टर तारिक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने हमारे शो को चुना सबसे पहले यहाँ पेयर होने में। पाकिस्तानी आप लोग आपसे मिलना चाहते थे, आपसे बात करना चाहते थे, और वही वाली बात है ना, माशाल्लाह आप अमेरिका से आए हैं तो ये है आपका आपका ससुराल आपका ससुराल है ये। बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों को ईद मुबारक। निदा आपको भी और तमाम देखने वालों को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो। आज रीमा जी, आज तो हम डॉक्टर साहब से ही बातें करने वाले हैं, ये सोच लें। आज मैं बिल्कुल कम बोलूंगी। हाँ जी, मुझसे तो आप बहुत सारे सवाल पूछती हैं, मगर मेरे ख्याल में एक अनबार है आपके पास डॉक्टर साहब से पूछने के हवाले से। माशाल्लाह, तो सवालों का तो आप जो मर्जी पूछिए। डॉक्टर साहब दिल के डॉक्टर हैं आप, तो आपने रीमा जी से दिल कब लगाया? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका इनवाइट करने का। ये बात दुरुस्त है कि जब से शादी हुई अब माशाल्लाह 5 साल होने वाले हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, और कभी भी जो है वो हमने इतनी हल्लाकि रिक्वेस्ट आई, लेकिन एज अ कपल इंटरव्यू नहीं दिया, दिस इज द फर्स्ट टाइम। इसलिए रीमा जो है ARY और आपकी बड़ी इज्जत करती हैं, शी सेड पहले कहीं जाना है तो पहले वहाँ जाना है। बहुत तो इस मरतबा में आया था, ये भी शॉर्ट विजिट है 10 दिन की, लेकिन ये कि शी हैड ऑलरेडी मेड द प्रोग्राम, तो वी आर वेरी हैप्पी। डॉक्टर साहब 5 साल माशाल्लाह हो गए आप लोगों की शादी को, याद है वो दिन जब आपने रीमा को पहली दफ़ा देखा और फिर दिल के डॉक्टर ने दिल दे दिया आपने रीमा को? दिल का कुछ ऐसा ही मामला है कि जो है वो दिल को कंट्रोल करना, काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल। और जो है रीमा के घर वालों ने जब मुझे इन्वाइट किया इनकी सिस्टर की शादी पर, तो जब मैंने पहले देखा तो आपकी बात सही, उसी वक्त दिल चला गया। अच्छा अच्छा, देखें पहली नज़र में आपको नहीं पता चलता कि सामने वाले की सीरत कैसी है या अखलाक कैसा है। पहली नज़र में तो ज़रा देखते ना आँखें, रंग रूप, बाल, कद काट, तो आपको सबसे अच्छी चीज़ अपनी बेगम में कौन सी लगी थी पहली नज़र में? रीमा जो है माशाल्लाह जो उनकी सारी चीज़ें बड़ी अच्छी है, और ऑब्वियसली पहली नज़र में तो इंसान जो है वो फेस को देखता है, तो उसके फेस के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी और रीमा के बालों के बारे में क्या कहेंगे आप? बाल तो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त हैं। डॉक्टर साहब आपको टिप्स भी देते रहते हैं कि रीमा ये खाएं आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, प्याज लगाएं,
ये क्योंकि ये तो सारी चीजें आपको पता ही होंगी ना। हाँ बिल्कुल, प्याज लगाने का तो मुझे नहीं पता लेकिन लेकिन बाकी टिप्स जो है वो बिल्कुल मैं देता रहता हूँ बाल के हवाले से, जो आजकल जो है नरिशमेंट होनी चाहिए, जो वाइटामिन बाल की जरूरत होती है, जो करना चाहिए बाल के वास्ते, वो सारी मैं बताते रहते हैं। अच्छा, खाने के शौकीन हैं आपके? जैसे ईद का मौका है तो मीठा होना चाहिए प्रॉपर, जैसे आप पाकिस्तान से दूर रहते हैं माशाल्लाह, तो वो आपको खाने का शौक है, जैसे याद सताती है पाकिस्तानी खानों की? हाँ बिल्कुल सताती है, लेकिन जब से रीमा आई है तो अब वो कमी नहीं महसूस होती, वो इतना जबरदस्त खाना बनाती हैं। क्या इनके हाथ की फेवरेट डिश आपकी कौन सी है? सबसे फेवरेट जो इन्होंने सबसे पहली मरतबा शादी के पहले हफ्ते में बनाई, आलू चिकन, इट वाज सो टेस्टी। आलू चिकन अच्छा रीमा जी, जरा झटपट रेसिपी तो बता देना डॉक्टर साहब को, जो आपने सबसे पहले दफा खिलाया, तो वो जरा ईद पर लोग बना तो लें फटाफट आलू मुर्गी की रेसिपी। सच बात ये है कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं खाने की शौकीन हूँ, अम्मी को नानों को देखती थी खाना बनाते हुए, मगर पाकिस्तान में कभी मौका नहीं मिला था कि मैं किचन के अंदर जाकर सारी चीज़ों को वैसे बना सकूँ। अच्छा, शादी के बाद जब पहली बार मुझे जोश चढ़ा कि नहीं नहीं अभी तो मेहंदी का रंग भी इतना गहरा था कि दुल्हन कुछ बनाकर खिलाए, तो मैंने कहा जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ बनाकर आप सबको खिलाऊं। अब जब मैं किचन में गई तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि पहले प्याज भूनना है या यखनी कैसे बनानी है, फिर यखनी के बाद जब वो खुश्क हो जाए तो घी डालकर उसको भूनना कैसे है, फिर पानी कितना लगाना है, आलू कितनी देर पहले डालने ताकि वो अच्छी तरह गल भी जाए या सख्त भी ना रह जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं और इनकी सारी फैमिली खाने की शौकीन। अच्छा, मेरी सास बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो फिर किससे आपने फोन करके पूछा कि मैं क्या? मेरी ननंद बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा। अम्मी वगैरह सब शादी के फौरन बाद एक दो हफ्ते के बाद चले गए थे। अच्छा, तो बल्कि 5 दिन के बाद ही चले गए थे। हाँ। तो मुझे हो रहा था बहुत टेंशन कि मैं कैसे क्या बनाऊं, फिर यकीन कीजिए कि वुजू किया, दरूद का वर्द करती रही और जो जो कुछ समझ आता था उसको वैसे बनाती रही। तो शायद मेरे ख्याल में मेरे से ज़्यादा वो दरूद की बरकत थी कि जायका बहुत आ गया और जब खाना सब ने खाया तो इतनी तारीफें कि फिर उससे मेरा हौसला बढ़ा। हाँ। शायद कुछ कमियां भी हों मगर सब ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया, उससे फिर मुझे हुआ कि जो लोग इतना मुझे प्यार कर रहे हैं तो बनाओ। क्या बात है। अच्छा, आपको आपने रीमा को मुंह दिखाई पे क्या दिया? याद है? भूल गए? बिल्कुल याद है। जो है वो इंट्रो मैंने दिया था, वो एंगूठी और डलाइट से जो है। अच्छा, तो इन्होंने क्या क्या कहा था वापसी में, खूबसूरत है या चेंज करवाऊंगी? नहीं, इनको बहुत अंगूठी फिट आई कि ढीली हुई थी? बिल्कुल फिट आई और बहुत पसंद आई इंट्रो। ओए होए होए, आज तक चेंज नहीं हुई है। कभी ऐसा हुआ इन 5 सालों में आप इनके लिए अपनी पसंद के हिसाब से जोड़ा खरीद के लाए हों या कोई जेवर खरीद के अपनी पसंद जो इन्होंने नहीं देखा हो? हाँ बिल्कुल हुआ है। हुआ है? बिल्कुल। तो रीमा ने मतलब सारी जिंदगी से शादी से पहले ही वो माशाल्लाह इतने डिजाइनर्स के कपड़े और ये वो, तो इनको कैसी लगी आपकी चॉइस? बहुत अच्छी लगी। अच्छी लगी? अरे वाह भाई। इधर ये नहीं कि साथ बैठे हैं, इनकी इनकी पसंद की हुई चीज इतनी खास होती है, ये आम चीजों को पसंद नहीं करते। तभी तो उन्होंने रीमा जी को पसंद किया। ये That is true. कोई भी ज्यूल पीस हो वो इतना खास होता है, मैं कीमत के हवाले से नहीं बात कर रही मगर उसकी मेकिंग बनावट इतनी खूबसूरत होती है कि मैं हैरान होती हूँ कि मैं इतनी दफ़ा गई मुझे ये चीज़ नज़र नहीं आई, आपको कैसे नज़र आ गई। और हर चीज़ को देखते हैं, ये नहीं देखते कि ये बहुत कीमती है, ये बहुत सस्ती है। हाँ। ये देखते कि चीज़ खूबसूरत होनी चाहिए जो आपको पहने हुए खूबसूरत लगे। हाँ। और आपका दिल खुश हो। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि बहुत कीमती अगर कोई चीज़ ले आया है और तो मैंने कहा है कि तारिक इसको वापस कर दीजिए और मुझे कोई और सिंपल सी चीज़ ले दें, वरना अमूमन होता है कि बेगमात कहती हैं। हाँ। कि हमें ये चीज़ पसंद है, प्लीज़ आप हमें ले दें। हाँ। ये कीमती चीज़ लेकर आते हैं। हाँ। मैं वापस भिजवा देती हूं कि मुझे ये नहीं चाहिए। प्योर बीवी वाली खसलत कहते हैं ना, ये हर बीवी में कूट कूट के भरी होती है कि बचाएं पैसे बचाएं। नहीं, मैं इनको मना कर देती हूँ पैसों के, तो इन्होंने मुझे क्रेडिट कार्ड दिए हुए कि मैं कहीं भी जाऊँ मुझे कुछ भी पसंद आए मैं ले सकती हूँ, मगर मैंने इस चीज़ का कभी नजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। और इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं तमाम बेगमात से यही कहूँगी कि
कि आपका हस्बैंड आपसे प्यार करता है और अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि आप जिस तरह से चाहें आप पैसे को खर्च कर सकती हैं, तो फिर ये आपकी अपनी अकल है कि आप कैसे अपने पैसे को या अपने हस्बैंड के पैसे को कितनी एहतियात के साथ। अच्छा, दोनों का प्रोफेशन बिल्कुल अलग, ये और ये। आप माशाल्लाह टॉप सर्जन डॉक्टर और ये टॉप फिल्म स्टार, माशाल्लाह दोनों का सेपरेट बिल्कुल ऑपोजिट। वो कहते हैं ना कि बातें क्या करते होंगे, बातें क्या करते हो, आज मैंने ऑपरेशन किया फला फला फला। ये तो आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि मुझसे काफ़ी लोग यही पूछते हैं कि ये जो है वो दूसरी दुनिया की, आप दूसरी दुनिया के। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है कि रीमा जब घर पर होती है तो शी इज़ वेरी मच लाइक ए होम पर्सन। अच्छा, वो सेलिब्रिटी तो भूल चुकी होती है, वो अच्छा। जब घर आती है तो वो घर की तरह होती है, जोड़ा बांध के, जोड़ा बांध के, बाल खुले रख के, जैसे भी हो। लेकिन वो घर की बातें होती है, घर की बात डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा। और जो है कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो है वो उनको सिर्फ उसी की बात हो या मुझे अपने, मैं भी नहीं चाहता कि मैं सिर्फ अपने हॉस्टल की बात करूँ। वो जनरल जो कपल्स बात करते हैं वही सारी बातें होती है। तो दैट इज सो स्पेशल अबाउट हर। देखिए जाहिर है माशाल्लाह अपने सब घर वालों को छोड़ के रुखसत होके अमेरिका गई हैं। कभी ऐसा फेज इन पे आता है कि डिप्रेस हो, खासतौर पे ईद है, कोई त्यौहार है, तो जब ये डिप्रेस होती हैं फिर आप क्या करते हैं इनको खुश करने के लिए? नहीं, रीमा की पर्सनैलिटी जो है वो बहुत से बदलते हैं लोग। अच्छा। लोग जो है वो उन्हें सिर्फ बाहर से देखते हैं कि इतनी खूबसूरत है, लेकिन माशाल्लाह अंदर से चीज़ उससे ज़्यादा खूबसूरत है। या अल्लाह, एक मियां बीवी की तारीफ कर रहा है। और वाओ, और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जब हमारी बात हुई और हमारी फैमिली की बात हुई तो सबसे ज़्यादा परेशान कन बात जो थी मेरे लिए वो ये थी कि कोई भी लड़की पाकिस्तान से अमेरिका जाए तो उसके लिए एडजस्ट करने में टाइम लगता है। जी जी। और मुश्किल होती है, लेकिन मैं ये सोचता था रीमा के लिए तो और भी, ख़ास तौर पे वो यहाँ पे माशाल्लाह इतने बड़ी स्टार, इतने लोग चाहने वाले, इतने बिजी स्केड्यूल, तो वो किस तरह से एडजस्ट होगी, इस चीज़ की मुझे फिक्र थी। लेकिन रीमा ने जिस तरह से अपने आप को एडजस्ट किया है वहाँ पे कि मुझे महसूस ही नहीं होने दिया कभी कि जो है शी इज़ आउट ऑफ द कंट्री या अपने घर छोड़ के, कभी भी नहीं ऐसा। तो रीमा की ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है, वो जो है घर पर वो उनको शौक़ है किताबें पढ़ने का, शेर व शायरी से शौक़ है, नमाज़ें पढ़ने का, तो वो कभी उसको ये नहीं होता कि जो है घर पे नहीं है या दूर है या पाकिस्तान से दूर है। तो अभी आपको शेर व शायरी करके सुनाती हैं? हाँ बड़ा। ओए ओए ओए, मैं हैरान हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ और मैं समझता हूँ और लोग कहते हैं कि मेरी मेमोरी अच्छी है, लेकिन जो शेर मैं नहीं याद कर सकता वो पूरा पूरा खता और पूरा पूरा जो है गज़ल, माशाल्लाह शी रिमेंबर्स दैट। डायलॉग्स याद करने में भी तो माहिर थी ना, जाहिर है। मैं लंबी तो नहीं मगर सिर्फ अमजद इस्लाम अमजद साहब की बहुत खूबसूरत ये का नाम में से कुछ लाइंस। बिल्कुल, वैसे तो ये काफ़ी तवील है तो उतनी मैं नहीं, कि मोहब्बत की तबीयत में ये कैसा बचपना कुदरत ने रखा है, ये जितनी पुरानी जितनी भी मजबूत हो जाए इसे ताईद ताज़ा की ज़रूरत फिर भी रहती है। यकीन की आखिरी हद तक दिलों में लहलहाती हो, निगाहों से छलकती हो, लहू में जगमगाती हो, इसे इजहार के लफ्जों की हाजत फिर भी रहती है। क्या बात है। मोहब्बत मांगती है यूं गवाही अपने होने की, कि जैसे तिफले सादा शाम को एक बीज बोए, शब में बारहा उठे, जमीन को खोद कर देखे कि पौधा अब कहाँ पहुंचे। मोहब्बत की तबीयत में अजब तकरार की हुई है कि ये करार के लफ्जों को सुनने से नहीं थकती, बिछड़ने की घड़ी हो या कोई मिलने की साथ, इसे बस एक ही धुन है, कहो मुझसे मोहब्बत है। हाय हाय, मुझसे मोहब्बत है। ये बात सही है, ये मुझे कहती भी है कि जो है आप जरा और एक्सप्रेस करें, और सारे कपल्स को भी मैं यही कहता हूँ कि आपके 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 दोनों, आप दोनों के बीच में क्या तरीकेकार है मोहब्बत को ताज़ा रखने, हर साल आप लोग किस तरह ताजगी बरकरार रखते हैं? साल तो इनसे पहले मैं कहना चाहूँगी, फिर आप इनके इनके भी ख्याल तो ज़रूर जानिएगा। साल तो बहुत दूर की बात है, मुझे होता है कि हर लम्हा आपको इन खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि एक एक लम्हा बहुत कीमती है। हमारी मोहब्बत की सबसे जो खूबसूरत बात है, हालांकि ये अरेंज मैरिज है, हमारी लव मैरिज नहीं हुई, मैंने बारहा अपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी बोला जी, मगर उसके बीच में जो मजबूती आई उसकी वजह क्या है कि अगर हमारे बीच में कोई चीज़ की वजह से नाचाकी हो गई या कोई इख्तलाफ हो गए तो मैं उस बात को लंबा नहीं खींचती। मैं अना को बीच में नहीं लेकर दरगुजर कर देती हूँ, और अगर मुझे महसूस होता है कि इनकी गलती है मेरी नहीं,
और मैं अगर पहले आगे बढ़कर इनको सॉरी बोलूँगी या मैं पहले बात करूँगी तो मेरी अना को जो है ना धचका पहुँचेगा। हाँ। मैं अना को अपनी ज़िंदगी से फाड़ कर मैंने बिल्कुल एक साथ में रख दिया। क्या बात। और कोई भी बात होती है तो मैं हमेशा पहल करती हूँ क्योंकि झुकता वो ही है जो जिंदा होता है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान। माशाल्लाह बातें इतनी अच्छी करती हैं, खैर बातें आप भी कम अच्छी नहीं करते। अगर किसी बात पर बहस हो जाती है, एक खाली बहस, तो जीतता कौन है दोनों में से? लॉजिक्स दलीलें कौन अच्छी देती है? वैसे ये जो है नहीं, लेकिन हमारी बहस की तो बहस तो हमारी बहुत कम होती है। जीते यही है, ये जीतते क्योंकि इनकी दलील जो है वो बहुत सॉलिड होती है। ओए ओए ओए। और ये बात कहने में मुझे कोई आर नहीं कि उस वक्त मुझे जो महसूस हो रहा होता है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो सही है, मगर ये मुझे कहते हैं नहीं, आप जो कर रही हैं वो सही नहीं है, ये गलत चीज़ है। हाँ। उस वक्त मैं गुस्सा भी करती हूँ, बात भी करूँगी, लेकिन वक्त के साथ साबित हुआ कि ये सही कह रहे थे और मैं गलत थी। नहीं, लेकिन वो बिल्कुल बहस की तरह नहीं होती। या ये मैं नहीं कहता कि मेरी पॉइंट ऑफ व्यू को वो एक्सेप्ट करें। मैं ये कहता मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ये ख्याल है, बाप की मर्जी पे है। तो इसलिए वो उस तरह से बहस नहीं होती थी जैसे लड़ाई हो जाए। अच्छा, आप दोनों साथ बैठ के टीवी पर किस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं? ये भी मैं तो देखते होंगे मेडिकल रिलेटेड या कुछ ऐसा? नहीं, मेडिकल रिलेटेड बिल्कुल नहीं। घर में ऐसी बिल्कुल चीज नहीं है। और घर में हमारे मेडिसिन की नहीं, परफ्यूम्स की और फूलों की खुशबू। इस चीज में मैंने बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्योंकि मैं दिलदा हूँ बचपन से ही खुशबू की, और इनको भी खुशबू पसंद है। तो मेरी इस चीज़ के साथ इन्होंने इत्तेफाक किया। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो खूबसूरती को लेकर आती हैं या घर में घर की फ़ज़ा को मुअत्तर कर देती हैं, मैं जाती हूँ जहाँ पर भी मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो मैं वहाँ से ज़रूर ख़रीदती हूँ। तो जब मेरे घर में कोई भी एंटर होता है तो उसको एक अजीब तरह की बहुत ही खूबसूरत सूदिंग किस्म की। फेवरेट प्रोग्राम्स है वो वहाँ पे जो अमेरिकन चैनल्स में जो जैसे वॉइस है, दी वॉइस, वो मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ जब ये नहीं होते हैं। अच्छा। हाँ, इस तरह के प्रोग्राम NBC पे, ABC पे इनको बहुत पसंद है। तो वो हम साथ भी देखते हैं। अगर कोई फिल्में देखनी हो तो क्या क्या देखने जाते हैं इकट्ठे? इनके साथ शुरू किया मैंने इससे पहले। अच्छा। शादी के बाद? वरना पाकिस्तानी इंडियन मूवीज जो है वो इतनी लंबी होती है, 3-4 घंटा, वो सबर से 3-4 घंटा बैठना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा, कोई शादी के बाद रीमा ने अपनी मूवी आपको दिखाई कि नहीं? बिल्कुल दिखाई। शादी से पहले इनको अपनी तमाम फिल्म्स, जितने मैंने कमर्शियल्स किए थे और इवन के जो गॉसिप्स थी अखबारात की, मैंने पूरी एक फाइल बनाकर इनके घर भिजवाई क्योंकि हाथ कंगन को आरसी क्या, जब आपका कॉन्शियंस मुतमईन हो तो आपको किसी चीज से घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, डॉक्टर साहब का क्या रिएक्शन हुआ ये सब देखकर? ये हम जरूर जानेंगे, मगर थोड़ी सी तश्नगी रहने दें। एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ इस ईद का मजा दुबाला करने, डॉक्टर तारिक और रीमा के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज की सुबह खूबसूरत बनाने आए हैं हमारे सामने पहली दफा रीमा जी और डॉक्टर तारिक साहब। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्या सवाल किया था जरा रिपीट करती हूँ ताकि मैं रीमा जी ने आपको, मैं दोबारा इसलिए रिपीट करी ताकि अगर अभी आप लोगों ने शो ऑन किया है तो आप सुन लें। रीमा जी ने शादी से पहले ही सारी फिल्में दिखा दी थी जी, डॉक्टर साहब को एक फाइल बना के भेज दी थी, हर कटिंग्स की, हर सारी गॉसिप, सब कुछ, कमर्शियल्स दिखा दिए, सब कुछ दिखा दिया। तो डॉक्टर साहब ने क्या जवाब दिया, क्या देखा? क्या रिएक्शन हुआ? डॉक्टर साहब का जवाब यही था कि ये जो आपने मुझे भेजा है ये आपका काम है। हाँ। और मुझे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि आप पर्सनली कैसी हैं, मुझे वो जो पता करवाना था मैं करवा चुका हूँ और उसकी मुझे बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई। ओए ओए। डॉक्टर साहब, कोई एक ऐसी चीज जो आपने रीमा को कहा हो कि ये बदल लो अपने अंदर से, कुछ आपने कहा इनको कि ये चेंज कर लो बस? नहीं, ये तो आपने बड़ा मुश्किल सवाल पूछा है कि इसलिए रीमा को मैंने जैसे पहले भी कहा था। हाँ। कि ये रीमा की पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि आई थिंक कि इस दुनिया में ऐसी लड़की बहुत कम देखी है मैंने। ओए, ओए, ओए। फिदा है, माशाल्लाह, दिला भाई।
ये नहीं कि उनका स्टार पावर या सेलिब्रिटी या जो उन्होंने अपना मुकाम अभी हाँ. मैंने इस विजिट में देखा माशाल्लाह कि इतनी इज्जत है, इतने लोग चाहते हैं, मानते हैं, बट वो सिर्फ उनके टैलेंट्स को देखते हैं ऊपर. मैंने एज ए पर्सन उसको देखा है और घर के अंदर देखा है, मेरी फैमिली ने, मेरे फ्रेंड्स ने हाँ. और नहीं, मुझे तो कोई आदत ऐसी नहीं है जिसको मैंने. घर कैसा रखती हैं और बड़ा घर को किस तरह सेट किया है? घर को ऐसा डेकोरेट किया है उन्होंने, इतना उसमें टाइम लगा हमारा, 1-2 साल लगा. अच्छा. लेकिन जब घर डेकोरेट हुआ और जब सारे हमारे गेस्ट और दोस्त और फैमिली आते हैं तो वो देख के रह जाते किसी जैसे. अच्छा, शादी से पहले कैसा था घर और जब रीमा आई तो घर में क्या क्या चेंजेस आई हैं? शादी से पहले डेकोरेशन में, शादी से पहले घर जो है वो, चूंकि मैं सिंगल था तो घर जो है बस मैंने रखा हुआ था, कोई सजाया नहीं था. तो ये इनका कहना ये था कि हॉस्पिटल की तरह लग रहा मतलब वो कलर्स वगैरह जो थे वो जो कलर्स होते हैं वही थे, वाइट एंड येलो. हाँ, सिंपल. फिर रीमा ने आके जो है वो सारा चेंज कराया, सारे कलर, सारे सीलिंग, सारी चीज़ें जो है, लाइट फिक्स्चर्स हाँ. और जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया कि मुझसे लोग पूछते हैं कि आपने कौन से डिज़ाइनर चुना है घर के लिए. हालांकि हमने कोई डिज़ाइनर नहीं, रीमा ने खुद ही सारा किया है. लेकिन आपके घर में जब एंटर होते हैं तो क्या फीलिंग आती है? इट्स अ वेरी वेरी नाइस, वेरी होमली, स्पिरिचुअल फीलिंग होती है. लोग कहते हैं कि लोग जब आते कहते हैं, और जो लोग पहले स्पेशली मेरे घर पे आ चुके थे और अब जब आते वो पहले सोचते कि ये वही घर है या दूसरा. मुझे, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि शादी से पहले वो एक मकान था, शादी के बाद वो घर बन गया. माशाल्लाह. और घर औरत की ही मेहनत और मोहब्बत से बनता है. क्या बात है. औरत अपने घर को खुद ही जन्नत भी बना सकती है और जहन्नुम भी बना सकती है, ये औरत के हाथ में होता है. तो मुझे घर के कोने से इतना प्यार था, जैसे कि इन्होंने बताया कि बिल्कुल एक हॉस्पिटल वाली लुक थी. हाँ. मैं एक्सट्रीमली रोमांटिक बंदी हूँ, तो मैंने सबसे पहले तो लाइट्स चेंज करवाए, कलर्स चेंज करवाए, सीलिंग हाँ. पे बहुत काम किया, क्राउन मोल्डिंग पे काम करवाया, फिर उसमें रोप लाइट्स को ऐड करवाया कि शाम को जब ये आती, इवन की दावत में तो एक बिल्कुल डिफरेंट एटमोसफियर होता है, मगर इवन जब ये शाम को घर आते हैं डेली बेसिस पे जी, तो मैं चाय का, क्योंकि चाय ये हम लोग हमेशा साथ पीते हैं, दोपहर का खाना हम नहीं खाते, 5 दिन ये काम पर होते हैं बिल्कुल, और सिर्फ सैटरडे संडे में इकट्ठा मिलता है, तो वो नाश्ता फिर हमारा बड़ा लाहौरी टाइप ग्रैंड होता है. अच्छा. तो मैं शाम की चाय का इस्तेमाल इतनी खूबसूरती से करती हूँ कि एक तो मैं खुद प्रॉपर तैयार होती हूँ. अच्छा, सच कह रही है डॉक्टर साहब. ईद का दिन है, इतना मुबारक दिन है, आप झूठ से काम नहीं ले सकते. मैंने कहा जरा डॉक्टर साहब से भी ठप्पा लगवाती जाओ ना. तो मैं जहाँ तक घर की खूबसूरती की बात है तो फ्रेग्रेंस वाली कैंडल्स मैंने ऑन की होती हैं. अच्छा. सर्दियों में खास तौर पर, और फायर प्लेस ऑन किया होता है, और गर्म गर्म चाय दम की हुई मैंने रखी होती है, उसकी खुशबू, और वो जब ये घर निकल रहे थे ऑफिस से, फोन कर देते हैं मैं रस्ते में हूँ, कभी कई दफ़ा करते हैं. अच्छा. मगर मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करती. अच्छा. और कई दफ़ा ऐसा होता है निदा कि बीवी तो अच्छी है ही, मगर हाँ. हस्बैंड का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल. इतनी खामोशी से जाते हैं दरवाज़ा बंद करके कि मेरी नींद में खलल ना पड़े. आए, और आए. जाते हुए मेरे लिए नीचे चाय बना कर जाते. नींद में बोलती हैं ये कुछ नहीं. ये बात बता दूं कि रीमा जो है वो शादी से पहले चाय नहीं पीती थी. अच्छा. लेकिन मैं कराची का हूँ, हम लोग तो चाय के बगैर नहीं रह सकते. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैंने इसको भी चाय की आदत डाल दी है. इन्होंने आपको लस्सी वस्सी की आदत डाली कि नहीं? डाली इन्होंने. लेकिन शुक्र है कि आप वो जो ना वो पेट वेट निकल आते हैं ना, जरा लाहौरी होते हैं तो खाने पीने के वो आपने रखा हुआ है, संभाल के फिट रखा हुआ है. उस मामले में मैं इनको थोड़ा सा डाइट करता रहता हूँ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. अच्छा. वैसे भी रीमा शादी के बाद मोटी नहीं हुई और स्क्वीज होती चली गई और स्मार्ट होती चली गई, तो इसमें आपका कुछ अमल दखल है? ये तो इनसे पूछे. लेकिन मेरा ये इस हवाले से, मैं सॉरी मैंने आपकी ऐप कट टू इन द मिडल, तारिक हमेशा मुझे इनकरेज करते हैं कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, आपने अच्छा. वॉक करनी है. इवन मैं कहूँ कि बीबी को मैं देख रही हूँ, ये बीबी को संभालते हैं. अच्छा. और मुझे कहते हैं कि नहीं आप जाएं या नीचे ट्रेडमिल करके आएं या इलेप्टिकल थोड़ी सी तेज करें या बाहर जाकर वॉक करें. तो ये उस तरह के सपोर्टिंग हस्बैंड हैं कि हाँ. जो खुद इनकरेज करते हैं कि आप जाइए. और इवन ज़रा सा अगर मैं वेट पुट ऑन कर लूँ तो हमने वेट मशीन रखी हुई है अपने वॉशरूम में, तो मुझे कहेंगे कि आप जरा वेट चेक कीजिए. हाँ. फिर उसके बाद अगर मैं खाना खाते हुए दूसरी रोटी की तरफ आ जाता है, री आप एक रोटी खा चुके हो. अच्छा. अमेरिका में तो सिस्टम है कि ग्रॉसरी करने मियां बीवी इकट्ठे जाते हैं, तो यहाँ भी मियां बीवी इकट्ठे जाते हैं? बिल्कुल. ओह जबरदस्त भाई, पूरा गोश्त वोश वो तो वहाँ पे तो पैक ही होता है सब कुछ. आप दोनों निदा, ये बड़ी खुशकिस्मती है हम दोनों की, और मैं अपने हवाले से खासतौर पर कहूँगी
कि मुझे प्यार करने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। वो कहते हैं कि जिस पर रब की रहमत हो वो लोगों के दिलों में उसके लिए प्यार डाल देता है। इज्जत जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है, और प्यार और नफरत का जो जो एक बांट है वो भी हमारे रब की ऐसी ऐसी खूबसूरत एक चीज़ है कि जो नज़र आ जाती है इस दुनिया में। मैं यकीन कीजिए कि मैं बाहर गई हूँ, जैसे भी आपने ग्रॉसरी की बात की, तो उसी से मुंसलिक करूँगी कि वहाँ पर जो गोश्त की दुकानें हैं वो हमारे कई पाकिस्तानी वहाँ पर गए हुए हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि मेरे घर में गोश्त जाना, और मैं टेलीफोन करके जब ऑर्डर करती हूँ या मैं शॉप पर जाऊँ, तो ख़ास वो मना कर देते हैं कि मैम आज मत भेजिएगा, आज वो सही नहीं है, जैसा आपको गोश्त चाहिए उस तरह का नहीं है। फायदा हो गया डॉक्टर साहब, हमारी रीमा से आपको फायदा हो गया। फायदा। सारी चर्बी उतार कर बड़ी सफाई के साथ, और इवन कभी हम कैटरिंग के लिए ऑर्डर करते हैं तो जितने शेफ हैं जो कराची, लाहौर या पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से वहाँ पर गए हुए हैं, उनको जो पता चलता है कि मेरे घर में जा रहा है खाना, इतने प्यार से वो खाना बनाते हैं। सारी कम्युनिटी के लोग जब हमारे घर आते हैं कहते हैं आपने ये कहाँ से कैटरिंग करवाई, हम कहते हैं फलां रेस्टोरेंट से। हम भी करवाते हैं मगर ऐसा जायका नहीं होता जो आपके घर। ये फायदा। अच्छा डॉक्टर, आपको वो सबका प्यार है, मेरी और इनकी बहुत खुशकिस्मत है कि लोग इतना प्यार करते हैं कि मेरे ख्याल में मैं अपने रब के जितने सजदे करूं कम है। एक्टिंग के हवाले से आपके फैंस होते हैं, आपके काम के हवाले से होते हैं, लेकिन जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे और आप एक बिल्कुल घरेलू जिंदगी गुजार रहे हैं जी जी, मगर फिर भी लोग आपको उतनी ही चाहत से चाहते हैं, बिल्कुल उतनी ही मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर साहब, आपको रीमा किस तरह के लिबास में ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं? वेस्टर्न कपड़ों में, ज़ाहिर अमेरिका में तो ज़्यादातर जीन्स और शर्ट्स पहने होते हैं लोग, सर्दी होती है तो शलवार कमीज से तो गुजारा नहीं होता, तो ईस्टर्न चूड़ीदार, गरारा, साड़ी, वेस्टर्न जीन्स, गाउन्स। रीमा जो है वो आपने सही कहा कि रीमा सारे कपड़ों में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन मैंने जो है वो ज़्यादा पसंद किया ईस्टर्न कपड़ों में। अच्छा, यानी साड़ी, गरारा, तंग पजामा, शलवार कमीज, क्या शलवार कमीज पजामा ज़्यादातर तंग पजामा और दुपट्टा मस्त होना चाहिए। अच्छा। इवन कि अगर मैं जीन्स पहनूं तो जो शर्ट है वो यहाँ तक होनी चाहिए, ओए। और चाहे दुपट्टा नहीं तो स्कार्फ की सूरत में गले में कुछ मस्त होना चाहिए, मस्त होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने मना कभी नहीं किया किसी चीज़ से, लेकिन जब मुझे पता चला कि इनको ये चीज़ें पसंद हैं और ये नापसंद हैं, तो मैंने जो इनको जो चीज़ें नापसंद थी उनकी बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में एंट्री बैन कर। अच्छा, ये किसने बताया कि इनको क्या क्या नापसंद है, ये कौन था बीच में, कौन था जो आपको बता रहा था डॉक्टर साहब को ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं? नहीं, वो कुछ मेरी बातों से पता चला। अच्छा, आपकी बातों से पता चला? इनकी बातों से भी। हाँ। और मेरी ननद अफशाबाजी, अच्छा, उनसे भी जब मैं बात करती थी, फिर मेरी देवरानी बहुत अच्छी है, मेरी जठानी बहुत हाँ। अच्छी है, उनसे भी तारीख की आदात का पता चला कि इनको खाने में क्या चीज़ अच्छी लगती है, किस तरह की चीज़ें इनको पसंद है, नापसंद है। ये एक बताऊँ, मिर्चें नहीं खाते थे। अच्छा, और जब कम, हालांकि जो उर्दू स्पीकिंग हैं वो तो बड़े चटपटे होते हैं, कम खाते थे मैं, कम खाते थे। मेरी अम्मी जब गई, हम लाहौरी लोग हरी मिर्च काट कर, और ये जबरदस्त थोड़ा मिर्च पसीना आना चाहिए, तो वो और ताजी रोटी। यहाँ अमेरिका में तो आपको पता है कि चीजें मिल जाती हैं, फ्रीज कर दीजिए, रोटी निकालिए, इसको गर्म किया और आपने खा लिया। मगर मेरे घर में आटा गूंथता है और रोटी ताजी बनती है, और ये और ज्यादा आटा कौन गूंथता है? और अब तो मेरी रोटी, मेरी सास आई और मेरी ननद बहुत चूंकि अच्छा खाना बनाती है, मेरी देवरानी की अच्छा हालदा जब घर पे आई पिछले दिनों, तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने कहा कि बेटा मैं नान नहीं खाऊंगी। हाँ। तो मैंने कहा अच्छा आंटी कोई बात नहीं, वो सामने ही बैठे हुए थे, किचन ओपन होता है। मैंने 5 मिनट के अंदर फटाफट रोटी बेल कर उनको गर्म गर्म फुल्का सामने आया, तो उनको यकीन नहीं आया कि रीमा आटा और तो फुल घरेलू हो गई भाई, और गोल और पतली रोटी, कोने मोटे नहीं थे, कोने मोटे नहीं थे। अच्छा डॉक्टर साहब, को रीमा मेकअप में या बगैर मेकअप के साथ दी? बगैर मेकअप। इनको मेकअप बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ। और लंबे बाल मेरे पसंद है। आप देखें कि जब मैं इवन काम कर रही थी तो मैंने थोड़े बाल इतने रखे हुए जी थे। जी जी। बुशरा मेरी स्टाइलिस्ट है नजीला सलून के अंदर, तो वही मेरे बालों को सारा टेक केयर करती हैं। अब और लंबे हो गए आपके तो डॉक्टर साहब को लंबे बाल पसंद है। उसके बाद से जब से शादी के बाद बालों को अब थोड़ा रेस्ट भी मिल गया, तब और लंबे हो गए। और जब मैं यहाँ आती हूँ तो बुशरा जब कैंची पकड़ती हैं तो वो कहती हैं नहीं भाई डॉक्टर साहब को लंबे बाल पसंद है इसलिए ज़्यादा नहीं काटूंगी। अच्छा रीमा, बताएं आप क्या करती हैं बालों के साथ ऐसे, क्योंकि जब पाकिस्तान से लोग अमेरिका जाते हैं तो वहाँ का पानी सूट नहीं करता, बाल ही गिर जाते हैं सारे,
आप क्या करती हैं जो आपने मेंटेन रखा है, बाल और लंबे होते गए? हमारे एरिया का पानी एक तो बहुत अच्छा है। अच्छा, वो टैप वाटर भी जो है वो ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, उसमें केमिकल ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुए जो बालों के लिए। और कुछ तेल वेल की मालिश करती हूँ? मैं करती हूँ, मगर इनके आने से पहले ऑयल निकाल वॉश। कभी गर्मी भी लगती, दिल करता है बाल बांध लूं, पोनी कर लूं। हाँ। अगर कभी मैं पोनी करूं या छुट्टियां करूं, हाँ। तो थोड़ी देर बता रही कहते री अब बाल खोल दीजिए, तो फिर मैं बाल खोल के सिर्फ क्लिप लगा लेती हूँ, तो इनको खुले बाल। हमने डॉक्टर साहब और रीमा जी से अलग अलग सवाल किए, देखते हैं कि इन 5 सालों में दोनों एक दूसरे को कितनी अच्छी तरीके से जान पाए। पहला सवाल डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब अगर कभी रीमा घबरा जाएं, कोई पैनिक क्रिएट करने लगे बच्चे के हवाले से, या कोई मेहमान एकदम ज़्यादा आ गए तो ना घबरा जाता है बंदा, तो आप इन्हें काम डाउन कैसे करते हैं एज अ डॉक्टर एज अ हस्बैंड? मैं जो है इनको ये कहता हूँ कि किसी भी चीज़ में सबसे पहले मैं इसको कहता हूँ कि आराम से बैठ जाओ, और मैं भी बैठ जाता हूँ, उसके बाद इसको कहता हूँ जस्ट ब्रीथ नॉर्मली, और कोई भी चीज़ बच्चे के हवाले से या पाकिस्तान से इनकी फैमिली की कॉल कर दे कुछ हो गया, तो मैंने बोला जस्ट रिलैक्स, टेक सम नाइस डीप ब्रेथ्स और वो ठीक हो जाएगा, पैनिक नहीं करता। एग्जैक्टली सेम आंसर रीमा जी ने बताया, पहला जवाब दुरुस्त। डॉक्टर साहब आपकी इरिटेटिंग आदत क्या है जो रीमा जी को इरिटेटिंग लगती है? मेरी आदत यह कि जो है जब हमें कहीं जाना होता है पार्टी में या दावत पे, तो मुझे होता है कि बस टाइम पे चलें, और रीमा तो ऑब्वियसली तैयार होने में सारी लेडीज को टाइम ये इरिटेट करती है मेरे ख्याल में। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दिया कि बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, कि जल्दी चलो जल्दी करो टाइम पे पहुंचे, और ये आदत रीमा को बुरी लग रही होती है। एक दफा कह देंगे, एक होता है ना बार बार बोले ये नहीं कहते, हाँ। मगर एक दफा कहने के बाद जब खामोश हो जाते हैं तो और टेंशन हो जाती है कि ये बोल नहीं रहे तो कहीं नाराज तो नहीं हो रहा। जल्दी जल्दी दूसरा जवाब भी दुरुस्त हो गया जी। अच्छा जी, कौन सा टीवी चैनल डॉक्टर साहब का फेवरेट है? आप बताएं डॉक्टर साहब, आपसे पूछ रही हूँ सारे सवाल आपसे यहाँ अभी है। CNN। ओके, और CNN इन्होंने बताया? NBC, CNN। जबरदस्त भाई, सही जवाब। आपके जेब में अगर $10 हो चले तो आप क्या लेकर आएंगे बाजार से? रीमा के लिए वैसे जैसे नॉर्मली कुछ भी $10 से क्या लेकर आए? $10 से तो सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग हो सकती। और अगर रीमा के लिए लेना हो तो क्या लेकर आएंगे? $10 में तो कुछ नहीं मिल सकता। जी अब जरा मजे मजे के सवालात हो जाएं दोनों मियां बीबी से, दोनों एक दूसरे की इरिटेटिंग आदत बताएं। वैसे मेजर तो कोई नहीं है, लेकिन दो चीज़ें मुझे इरिटेट करती हैं, क्योंकि मैं बहुत स्लो ईटर हूँ। मैं अच्छा। खाना बहुत आहिस्ता आहिस्ता बचपन से मेरी आदत है, हाँ। बहुत चबा चबा कर और स्लो खाती हूँ। ये तेज खाते हैं। अच्छा। मतलब नॉर्मल खाते हैं, हाँ। जो मुझे तेज लगता है। मतलब आप शुरू करती हैं तो ये खत्म कर रहे होते हैं। मैं अभी धोने वाले होते हैं कि तारीख की प्लेट खत्म हो चुकी होती है, ये मुझे बहुत एकदम घबराहट होती है, क्योंकि मैं सोच रही थी अच्छा मैं इनकी प्लेट से भी ये चखूंगी, और जितनी देर में मैं सोचती हूँ वो खत्म हो चुका होता है। ये चीज़ कई दफ़ा मुझे इरीटेट करती है। दूसरी कि जब हम कहीं जाएँ ये तेज़ बहुत चलते हैं। अच्छा, या शायद मैं बहुत स्लो चलती हूँ कि मुझे चीज़ें देखने की आदत है तो ये बहुत फास्ट चलते हैं, तो आप पीछे रह जाती हैं। मैं पीछे रह, कभी घूम तो नहीं गए किसी रश में? कभी घूमने ही नहीं दिया। आए, आए। और आपको इनकी इरिटेटिंग आदत कौन सी लगती है? वो इरिटेटिंग तो नहीं, इरिटेटिंग तो नहीं कह सकता मैं, और ऑब्वियसली अल्लाह को भी जवाब देना है तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि इनकी नमाजें जो है लंबी होती है, तो थोड़ा सा इंपेशेंट हो जाता हूँ मैं कभी कभार, स्पेशली अगर खाने का इंतजार हो। और अगर तारिक को पता चल जाए कि मैं डिनर से पहले शाह पढ़ने जा रही हूँ, हाँ। तो जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ी तो मुझे कहते पहले खाना खा लें उसके बाद आराम से शाह पढ़ लीजिएगा। अच्छा, कौन सी जगह ऐसी है जहाँ आपको जाना अच्छा नहीं लगता और इनको जाना अच्छा लगता है, और जहाँ इनको जाना अच्छा लगता है आपको जाना अच्छा नहीं लगता? दोनों एक दूसरे को जरा खुश करने के लिए चले जाते हैं एक दूसरे के साथ। ऑनेस्टली कोई ऐसी जगह नहीं, अगर इनको बाजार या मुझे पसंद ही नहीं, हम दोनों ही माशाल्लाह हाँ, मैं भी मॉल में जाता हूँ, हम दोनों, ये नहीं है कि तारिक अगर काम करके अमूमन हाँ। क्या होता है कि हस्बैंड बेगमा से कहते हैं हम सारा दिन के थके आए हैं हमें कुछ नहीं कहना, ये मुझसे ज्यादा हाइपर है। अच्छा, ये थके हुए भी आए और मुझे कहेंगे री चलें आप हाँ। कल भी बाहर नहीं गई थी, मैं आपको बाहर ले चलता हूँ हाँ। अगर खासतौर पर सर्दियों में कि बहुत बर्फ है और घर के अंदर आप बंद बैठे हुए हैं, तो मुझे ये कहेंगे कि नहीं आप साथ चलें मेरे मॉल, तो मुझे जबरदस्ती मिली नहीं, तारिक दिल नहीं कर रहा। फिर आप लोग कभी इकट्ठे डिज्नीलैंड गए और वहाँ सारे जो तेज वाले झूले हैं उनमें बैठे हाँ। या किसी और? बिल्कुल गए हैं पार्क, बिल्कुल गए हैं तेज वाला झूला होता है रोलर कोस्टर में, रोलर कोस्टर में इकट्ठे बैठे हैं, और मुझे चूंकि बहुत शौक है इन चीज़ों का,
तो इस वजह से तारिक ने मेरा पूरा पूरा साथ। ज्यादा जोर से कौन चीखता है रोलर कोस्टर? और सबसे अच्छी बात ये जहाँ पता होता है ना कि यहाँ कैमरास लगे और पिक्चर खींचनी है, हाँ। वहाँ मेरी फौरन मुझे पता चला कैमरे वाली जगह आ रही है और बाल उड़े होते हैं, देखो हाँ। बाल झटके से फौरन पीछे ओए, ओए। और बहुत अच्छी सी स्माइल, हाँ। डॉक्टर साहब का हमेशा घबराहट आंखें बंद होंगी, हाँ। री तुम्हारी हर तस्वीर कैसे अच्छी आ जाती है? मैं कहती देखिए ये कुदरत का खास करम है मुझ पर, जबकि मुझे पता होता है कि यहाँ कैमरा है। डॉक्टर साहब कभी डॉक्टर साहब बड़े डिप्रेस हो, उनको अपना मूड अच्छा करना, तो घर आए कहें रीमा वो फिल्म का गाना लगाओ, अपना अपनी फिल्म का गाना लगाओ। मैं नहीं देखते नहीं, नहीं। गाना शादी के बाद से तारिक ने मेरी कोई फिल्म नहीं देखी। अच्छा, शादी से पहले देखी, उसके बाद नहीं देखी था। और इवन कभी कई लोग कहते हैं कि दावतों में होते कपल्स डांस करते हैं, मगर तारिक को और इनकी फैमिली को वो पसंद नहीं, नहीं। तो फिर तो कभी आप लोगों ने कपल डांस भी नहीं किया एक साथ अभी किसी पार्टी में भी नहीं? हालांकि मुझे और किसी शादी में कोई भंगड़ा करने के लिए उठा दे एकदम आप दोनों को इकट्ठे, नोट करते हैं जबरदस्ती लेकिन नहीं करते हैं। ताई साहब कभी ऐसे भी नहीं किया होगा? नहीं, घर पे। अरे अगर मुझे कोई कहे कि नहीं, मैं कहती हूँ देखे ये तो मैं कह नहीं सकती कि मुझे डांस नहीं आता, मगर चूंकि मेरे हस्बैंड को जो चीज अच्छी ना लगे वो मायूब नहीं समझते, जो मैं अभी इनका कॉन्सेप्ट चेंज किया है। देखिए ये तो मियां बीवी सब करते हैं, तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं इनको लेकर आ रही हूँ इस तरह कि ये कोई बुरी बात नहीं है, हमें करना चाहिए, और अगर एक ग्रेस के साथ कोई भी चीज आप करें तो उसमें कोई बुराई नहीं, अच्छी लगती है। अच्छा, कौन आपकी जो नापसंदीदा डिश है, कोई ऐसी जो आपको पसंद नहीं है, जो रीमा बनाती है? हाँ, कोई रीमा भी बनाती हो जो रीमा को पसंद है और आपको नहीं पसंद, मगर आप इनको खुश करने के लिए दो निवाले ले लेते हैं बस। करेले खाते हैं आप? हाँ, टिंडे करेले? हाँ, नहीं करेले नहीं, तुरई खा लेते हैं लेकिन करेले नहीं। करेले नहीं, वो जो फ्लेक्सिबल खाने में जो है कोई नखरानी करते हैं आप? टेबल नहीं उलटते अगर नमक बहुत तेज हो जाए? रिस्क की इतनी इज्जत करते हैं, आज इतना खूबसूरत दिन है ईद का और हम सब के घरों में खास एहतमाम किया जाता है खानों का, मगर अब यकीन कीजिए निदा मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैंने इनसे बहुत बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखी भी, हाँ। कि जहाँ हम खाना खाते हुए प्लेट में किसी दावत में जाएं, इवन घर में भी हम लोग ज़्यादा डाल लेते हैं और उसके बाद बहुत सारा खाना ज़ाया हो जाता है जो ट्रैश कर दिया जाता है। तारिक कभी खाना फेंकते नहीं है, इवन हाँ। कि अगर कोई निवाला बच जाए या कोई ऐसी चीज़ हो तो वो भी मेरी अब जिम्मेदारी है कि मैं उसको जमा करती हूँ, हाँ। और उसके भी कुछ छोटे छोटे पोर्शंस करके मैं चिड़ियों को डाल देती हूँ, हाँ। क्या बात है, बट खाना फेंकते नहीं। अच्छा, दोनों में से गुस्से का तेज कौन? मैं लिब्रा हूँ, ये स्कॉर्पियो है। अच्छा, तो अकलमंद को इशारा काफी। मुझे नहीं पता स्टार्स के बारे में, मुझे नहीं इतना पता कौन है दादा, पता नहीं। मैं नहीं, रीमा तो गुस्सा बिल्कुल नहीं करती कभी। अच्छा, जो है मुझे कभी आता है वो भी वेरी शॉर्ट लिमिट। अच्छा, गुस्से की लिमिट कहाँ तक होती है? कोई कभी कोई घर की चीज तोड़ी है? नहीं नहीं, ये सब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बदतमीजी वाली कोई चीज हम ये नहीं, लाल हो जाते हैं बस जोर से बोलना, लाल हो जाते हैं खुद ही चेहरे से पता चलता था, लाल हो जाते हैं, नाक थोड़ी फूल जाती होगी। देखिए कुछ लोग आते हैं जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो उनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है उनकी पर्सनल लाइफ से। हमारे पर अल्लाह की एक खास रहमत है कि जैसे हम अपनी जाती जिंदगी में हैं वैसे ही कैमरे के सामने हैं। हमारी ये कोई मिली भगत नहीं होती कि हम कैमरे के सामने जाएंगे तो एक दूसरे की यूं तारीफ करनी है। जो जेन्युइनली ये बात कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, जैसे जेन्युइन है, जैसी मैं हूँ वैसे हम लोगों के सामने बात कर रहे हैं। गुस्सा एक तो हराम है वैसे भी, और दूसरा ये कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल किए गुस्से में या बहुत डांटा हो खास तौर पे किसी के सामने। अगर मुझे मेरे से कुछ ब्लंडर हो गया, कोई बहुत गलत चीज हो गई है और तारिक को बहुत भी गुस्सा आया है, मगर किसी के सामने मुझे कुछ नहीं कहेंगे, कमरे में जाकर मुझसे नाराज हो जाएंगे, मगर दूसरों के सामने आप अपनी बेगम की इज्जत कैसे रखते हैं ये चीज भी मैंने इनसे सीखी है, जो सच बात है। अच्छा, बहुत सारे दिमाग में सवाल आ रहे हैं, मगर क्योंकि मुझे पुश किया जा रहा है कि ब्रेक पे जाना है भाई दोनों, मगर मतलब ब्रेक पर जाने से पहले कि जैसे कि मैंने कहा कैसे सीखी कि कभी हम अपने मुलाजमीन को या अपने छोटों को दूसरों के सामने डांट देते थे तो मैंने अपनी उस आदत पर कंट्रोल किया कि चाहे थोड़ी सी डांट होती मगर अब मैं कभी किसी को भी
किसी के सामने डांट तो दूर, नसीहत भी किसी के सामने नहीं करती। कि आप खामोशी से किसी को अच्छी बात बतानी है तो उसको अकेले जाकर अकेले जाना। जी तो एक छोटे से ब्रेक के बाद अपनी ईद का मजा दोबारा करेंगे आप हमारे साथ फिर से, क्योंकि हमारे साथ आज डॉक्टर तारिक साहब और रीमा जी हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान, ईद का तोहफा हमारे सामने है जी। रीमा जी और डॉक्टर तारिक साहब माशाल्लाह पहली दफ़ा दोनों एक साथ अपेयर हुए हैं टीवी स्क्रीन पर, और थैंक्स एक दफ़ा फिर कि आप दोनों हमारे शो पे आए पहली दफ़ा। रीमा जी एक दफ़ा पहले आई थी शादी के शायद 2 साल बाद, तो इन्होंने हमारे पास आके इंटरव्यू दिया था। मैंने दिल खोल के इनसे सारे सवाल किए थे, तब इन्होंने बताया था कि यह आपको प्यार से टी कहती हैं और आप इनको प्यार से री कहते हैं। मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई। अच्छा। और मैंने जो है ना बोर्ड्स बनाए हुए, एक तरफ टी लिखा हुआ है एक तरफ री लिखा हुआ है। ये दोनों बोर्ड्स आप लोगों के हाथ में होंगे, दोनों के बोर्ड्स के एक तरफ री और एक तरफ टी है। मैं आपसे जल्दी जल्दी रैपिड फायर सवाल करूंगी, जवाब में आपने सिर्फ दिखा देना है री या टी। Okay. कि ये आदत री में है या टी में है। रैपिड फायर सवाल हैं, जल्दी जल्दी सवाल करूंगी, जल्दी जल्दी जवाब। पहला सवाल, गुस्से में कौन जल्दी आ जाता है? देखना नहीं है आपको। अच्छा, मैंने भी आपने दोनों ने एक साथ ना उनको देखे बगैर टी। ओके, टीवी का रिमोट किसके हाथ में होता है? यहाँ ये कह रहे हैं, अरे उन्होंने भी बदल लिया भाई मारे। हाँ भाई भाई, हमारा कैमरा फिक्स रखो इनके टू शॉट पे ताकि बेईमानी ना हो सके। हाँ जी, कौन भूख का कच्चा है? भूख में बस किसी का दिल पर काबू नहीं रहता, शोर शराबा शुरू हो जाता है, भूख का कच्चा बर्दाश्त नहीं भूख। टी टी टी। किसके हाथ में हर वक्त मोबाइल होता है? री। क्या ये पहले था? हाँ, बेबी के बाद से चेंज हो गया, अब मेरे हाथ में बेबी होता है, इनके हाथ में मोबाइल। दोनों में से सुस्त कौन है? थोड़ा सा कौन ज्यादा एक्टिव है दोनों में से? सुस्त कौन है दोनों के मुकाबले में? कोई भी दोनों के मुकाबले में मेरे ख्याल में। और आपकी तरफ? नहीं, मेरे ख्याल में आपको लगता है दोनों एक्टिव हैं। अच्छा, तैयार होने में टाइम ज्यादा कौन लगाता है? कौन कौन बीमारी में थोड़े से नखरे उठवाता है? जी ये क्या क्या फरमाइश होती है इनकी जब ये बीमार होते हैं कि रीमा हर वक्त सराहने बैठी रहे, पानी ला दो, सर दबा दो, पैर दबा दो, सर दबा, पास बैठी रहो, पास बैठी रहो। आपको आपकी बीमारी इनको देखने से दूर हो जाती है? बिल्कुल। और अगर ये बीमार होती है फिर क्या होता है? फिर मैं ख्याल करता हूं। तमाम देखने वालों से कहूंगी कि हमारी खुशगवार जिंदगी के लिए खास दुआ करते रहिए और पढ़ के इन पे फूंक भी दें कि अल्लाह किसी की नजर ना लगे। वाकई जितना तारिक मेरा ख्याल रखते हैं मैं शायद बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं शायद इसलिए भी बयान नहीं करना चाहूंगी कि वाकई नजर से भी डर लगता है। पता है रीमा, माशाल्लाह नजर ना लगे इस बात को, इनके चेहरे पे जो ग्लो है, जो चमक है, वो इसीलिए है कि इनका दिल खुश है, इनका दिल मुतमईन है। और यकीन जाने जब हम इनको देखते हैं तो हम आपको दुआएं देते हैं कि आपने इन्हें खुश रखा हुआ है। थैंक यू। और इस खुशी की वजह जो है, लेकिन जो शक होता है ना निदा जी, कोई भी मियां बीवी का ताल्लुक हो उसमें सबसे बड़ी जो दरार पड़ती है वो शक की वजह से पड़ती है। मैं ट्रैवल करती हूँ, मैं शादी के बाद भी ट्रैवल कर रही हूँ, पूरी दुनिया में जाती हूँ। मेरे हस्बैंड का मुझ पर एतमाद और यकीन, वो मुझे इतना कॉन्फिडेंस देता है, उसकी वजह से इतनी ताकतवर अपने आप को महसूस करती हूँ कि कभी मेरी किसी जगह किसी इंटरव्यू में आपको ये एहसास नहीं होगा कि मुझे किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है, डर है किसी तरह का। और मेरे हस्बैंड वहाँ पर इतनी खूबसूरत लड़कियों में काम करते हैं, तीन जाते हैं। ये शक करती है कि नहीं? ये शक करती है कि नहीं? डॉक्टर साहब सच बताया ना, जरा चुपके से बता दे दुल्हा भाई। नहीं, शक नहीं करती।
कभी नहीं, क्योंकि देखें जिस रिश्ते में एक यकीन होगा ना, उसमें कभी भी शक जैसी चीज शामिल ही नहीं हो सकती। हमारा एक दूसरे पर इतना मजबूत है यकीन, हमें अपने रिश्ते पर इतना यकीन है कि हम शक जैसी बुरी चीज को कभी अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनने दिया है, ना इंशाल्लाह 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 बनने दिया इंशाल्लाह। मैं ये बता दूं कि मैंने इंटरव्यू तो नहीं दिया था, लेकिन जब पाकिस्तान से मैं रिसेप्शन के बाद वापस जा रहे थे तो किसी ने मुझसे कहा कि आप पाकिस्तान का कोहनूर लेके चले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो है फिक्र ना करें, हम बड़ी हिफाजत से और बड़ा वो करेंगे, और वही हमने किया है। पाकिस्तान से प्रॉमिस थी मेरी। ओए 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 ओए। अच्छा, कौन ज्यादा जज्बाती है? थोड़ी सी बात पर रोना आ जाता है, पाकिस्तान के हालात देखे, ओए 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 जज्बाती है जी। अच्छा, कौन कमरा ज्यादा फैलाता है, फैलाने में कौन माहिर है? हर घर की यही कहानी, सारे मियां घर फैलाने में माहिर। कौन बेबी के लिए ज्यादा पजेसिव है? अजलान के लिए कौन ज्यादा पजेसिव है? री। अच्छा, कौन वॉशरूम जाता है तो नॉक करके याद दिलाना पड़ता है, एक्सक्यूज मी जरा बाहर आ जाए, घंटा डेढ़ घंटा हो गया। होता है ना, कुछ लोगों को आदत होती है अखबार भी वहीं पढ़ रहे हैं और जी मैं एक्चुअली जो घर अम्मी से बातें करती हूँ और जितने दोस्तों को रिप्लाई करती हूँ वो वहीं से करती हूँ, ढूंढ रहे होते यार ये उल्टा हो गया भाई, ये तो उल्टा हो गया। अच्छा, कौन थोड़ा फिल्मी है? थोड़ा फिल्मी, हाँ कौन थोड़ा फिल्मी है? पर्दे यूं खुलेंगे, सुबह हो गई है, जो फिल्मों में सीन होते हैं मोहब्बत का इजहार, हाँ मैन्युफैक्चर्ड है वो। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है एज अ प्रैक्टिकल डॉक्टर कि क्या क्या चीज़ फिल्मी होती है कभी कभार आपके? एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना कि वो रीमा घर के अंदर, पता नहीं क्या वो, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल से आते तो मैं अपना वाइट गाउन उतार देता हूँ, तो रीमा जब घर में होती तो उसे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि वो कोई स्टार है या फिल्मी है, वो कभी मुझे कभी एहसास नहीं, नहीं नहीं कभी कोई फिल्मी चीज़ें करती हैं जो कि आपके नहीं, साथ घर पे नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी जो पर्दा खोल रही हैं और आइए तशरीफ लाइए बैठिए, ऐसे नहीं, नॉर्मल बिल्कुल नॉर्मल। और अगर कभी ऐसा करूँ, आपको क्या हुआ, तबीयत ठीक है? वही ना, कभी आप आए हैं, आपने दरवाज़ा एंटर किया है, रीमा की बैक है और एकदम ये इन्होंने यूं हवा खोली है और पंखे से उड़े हैं बाल और यूं करके तारे आपको क्या हुआ है? इतनी रौनक, इतनी रोशनियाँ देखी हैं कि मैं उन रोशनियों को, उस ग्लैमर को एक डिफरेंट अंदाज से, एक नया अंदाज देकर अपनी जाती जिंदगी में शामिल मैंने कर लिया है और उसके उस फ्लेवर को भी मैं एंजॉय कर और इनको भी उसका यूज टू बना दिया। मैं बताऊँ, ये फिल्म देखते बिल्कुल नहीं देखते थे, मगर अब मुझे खुशी इस बात की है कि ये मेरे साथ थिएटर भी जाते हैं और ख़ास तौर पे मेरे पाकिस्तान की जितनी भी फिल्में वहाँ पर लगती हैं माशाल्लाह, मैं इनको स्पेशली लेकर जाती हूँ और पूरी फिल्म देखते हैं। ओए ओए ओए, पूरी फिल्म देखते हैं। क्या बात है। अच्छा, किसको डेट्स याद रहती हैं, एनिवर्सरी, बर्थडे, कहीं जाना है, आपको याद रहती है? यार रीमा कह रही है उनको याद रहती है, ये खुला तजाद है। अच्छा जी, फजूल खर्च दोनों में से ज्यादा कौन है? नहीं, पैसा नहीं टिकता हाथ में, नहीं दोनों किफायतशार माशाल्लाह। अच्छा, कौन डाइट कॉन्शियस से ज्यादा, इंचेस बढ़ तो नहीं गए, ओए कपड़े टाइट तो नहीं हो रहे, दोनों में से ज्यादा डाइट कॉन्शियस कौन है? दोनों। ओए ओए, ये तो बड़ा मजेदार चीज होगी। कौन घूमने फिरने बिल्कुल नहीं जाना चाहता, शौकीन नहीं है दोनों में से? दोनों शौकीन, दुनिया देखने का बहुत शौक है दोनों। हनीमून पे कहाँ गए थे आप लोग? मैं यही बताऊँ, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि वो रीमा जो है इज़ वेरी डिफरेंट। अच्छा, तो जब शादी भी है, मेरे दोस्तों ने भी कहा कि भाई कहाँ जा रहे हैं हनीमून पे, आप लोग पेरिस जा रहे हैं कि स्विस एल्प्स पे जा रहे हैं, स्कीइंग पे जा रहे हैं या अमेरिका में कहीं जा रहे हैं, तो मैंने रीमा से पूछा कि क्या क्या प्लान है, क्या करना है,
तो रीमा ने कहा कि उम्रे पे जाना। मैंने बोला उम्रे पे जाना है, वो तो जाएंगे। नहीं, उसने कहा नहीं, बस उम्रे पे जाना है। तो अब उस वक्त जो है उम्रे पे जाना, सीज़न भी ऐसा हो गया था जब इसने बात भी हमारी मार्च अप्रैल में रमज़ान आ रहा था, उम्रे का वीज़ा बस वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा, लेकिन अल्लाह ताला ने इस पर जो है वो बड़ी अल्लाह ताला की वो इनायत है। उसी वक्त जो है उसके दो हफ़्ते बाद ये बात हो रही थी, उसके दो हफ़्ते बाद जो है वो वहाँ से कॉल आई सऊदी अरबिया से, जी किंग फैसल हॉस्पिटल से। उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि आप दो तीन हफ्ते के लिए आएँ और केसेस करें हमारे हॉस्पिटल में। अच्छा, एंड तो क्या ख्याल है आपका? हाँ। और उन्होंने टाइम भी जो है वो पिक किया, रमज़ान में आ जाएं, रमज़ान के आते हुए। तो मैंने आके मैंने कहा कि इसे तस्करा किया, मैंने बोला मेरा तो कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन तुम बताओ क्या प्रोग्राम है। कह रहे इससे अच्छी बात किया, मैं तो कह ही रही थी उम्रे पे जाना है। हाँ। तो बिल्कुल बिल्कुल ये ऑफ़र आप ले लें। ओए होए होए होए। तो फिर मैंने वो ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट की और वहाँ जद्दा हम लोग गए किंग फैसल हॉस्पिटल में, वहाँ पे तीन हफ्ते के लिए। तीन हफ्ते के लिए हमारी अम्मी भी साथ गई, रीमा भी साथ गई। अच्छा। और उसके बाद जो है इसने ये कहा, इसने फिर ये कहा कि मैंने 27 की रात को उमरा करना है। और वहाँ पे मैं जहाँ पे ठहरे हुए थे तो हॉस्पिटल में भी और वहाँ पे हमारे जितने भी जानने वाले थे जद्दा में, उन्हें कहने लगे 27 को तो नहीं जा सकते आप उम्रे। वो बल्कि 27 को क्या होता है कि वो सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं। हाँ। लोकल्स जो है वो जा नहीं सकते उम्रे। अच्छा। जो जा चुके होते हैं वही रहते हैं, बाकी सारे जो वहाँ के शाह हैं और बादशाह लोग हैं और दूसरे मुल्कों से जो लोग आए हुए होते हैं। हाँ। उनके लिए स्पेशल गेस्ट हैं, बस उनके लिए खोलते हैं। ओके। तो अब इसने कहा, तो एक डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जाऊँगा वहाँ इबादत करने के लिए, 27 की रात है, आप चलें और देखेंगे, अगर आप जा सकते हैं तो ठीक है, अंदर आप उम्रा कर लेंगे। तो फिर हम स्पेशल, सारे रास्ते सन्नाटा था वैसे, बिल्कुल कोई नहीं जा रहा था। माशाल्लाह आपने 27वीं शब पर, माशाल्लाह नीता मैं बताऊं कि मैंने अभी तक 9 उम्रे कर चुकी हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें से जो 7 उम्रे मैंने किए थे पहले इनके शादी से पहले, 7 उम्रे एक हज में कर चुकी थी। अच्छा। तो जब नहीं, 6 उम्रे और एक हज मेरा हो चुका था, तो 7वां उम्रा इनके साथ मैंने अदा किया। और मैं हमेशा रमज़ान में ही उम्रा करती थी, मगर पहले अशरे में या दूसरे में होता था, तो तीसरे में कभी नहीं हो पाया। आखिरी अशरे में आपने उम्रा? आखिरी अशरे में। तो मैंने इनसे जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो मैंने कहा ये तो शबे कदर की रात को मुझे तवाफ़ का मौका मिलेगा, उम्रे की सादत नसीब होगी। तो अल्लाह की ऐसी रहमत हुई कि जैसे वाकई बुलावा होता है, हम लोग किस तरह से पहुँचे हैं, और इवन के बिल्कुल सुर्ख लाइट थी तमाम गेट्स के बाहर कि आप अंदर नहीं जा सकते, गेट्स भी बंद हो गए थे ना अंदर। अच्छा। नहीं, वो जो लोग इबादत के लिए आते हैं वो बाहर सहन में इबादत कर सकते हैं, लेकिन खाना काबा के अंदर नहीं जा सकते। तो वहाँ पे हम पहुँचे थे, मतलब हरम के नज़दीक नहीं जा सकते। जी। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो आंखों के सामने रब्बे कायनात का घर और मुझे तो तवाफ अंदर ही जाकर करना है। माशाल्लाह। तो अब तो इतना एक्सपेंड कर दिया ना हरम पाक, तो इन्होंने कहा रही बहुत रश है, अब अंदर नहीं जाने दे रहे। तो जब इनका उन्होंने उम्रे का लिबास देखा, तो वो जो बंदा था गेट पर खड़ा हुआ, हम लोग जब मुड़ने लगे तो उसने देख कर कहते यला हाजी हाजी, और मैं तो रोना शुरू हो गई कि कैसे बाहर निकल कर निकल, पूरी होती जा रही है, अंदर बुलवा लिया। और फिर मुझे अल्लाह ने 27वीं शब को उम्रे की सादत हम दोनों को दी, जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 27वीं को उम्रे की सादत हासिल करूं, तो फिर और 29वीं की शब जो है वो मुझे मस्जिद नबी में मिली। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। वो वहाँ पे जब थे, उस हवाले से एक और किस्सा भी मुझे याद आया, तो बताते चलो कि जो है वो जो तब्दीली आई रीमा के साथ हमारी शादी के बाद, जो जी जी। अब वो कहीं भी जाता हूँ तो माशाल्लाह पाकिस्तान तो आता, तो ऑब्वियसली कोई भी नहीं छोड़ता जी। तो वहाँ पे भी जब हम पहुँचे तो आप लोग भी गए होंगे उम्रे पे मदीने में पाकिस्तान की, वहाँ पे इन्होंने कहा कि मुझे चिकन टिक्का खाना है। तो मैंने कहा अच्छा आप बाहर खड़े रहे, मैं जाके लेके आता, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट थे मदीने में, बहुत रश था। हाँ। बहुत रश। तो वहाँ मैं जाके खड़ा हुआ, मैंने उसे कहा कि दो टिक्के दे देना चिकन टिक्के। तो वो आदमी जो है खड़ा हुआ जो है मुझे ऐसे देखने लगा, मैंने बोला दो टिक्के चाहिए जल्दी, वो फिर देख रहे हैं, मैंने फिर कहा, फिर वो मुझे देख रहे हैं। तो फिर उसके बाद कहता है कि आपकी शक्ल जानी पहचानी लगती है, मैंने बोला हाँ लगती होगी। फिर वो गया, फिर वापस आया, फिर मेरी शक्ल देख रहा है, कह रहा है पता है आपको क्या? मैंने बोला क्या? वो जो है ना आप जो है रीमा के हस्बैंड से बहुत मिलते हैं। मैंने इससे कहा कि हाँ कुछ और लोग भी यही कह रहे थे मुझे। और फिर जब उसको पता चल गया कि ये वाकई मेरे हस्बैंड हैं, तो उसने इनको क्यों में नहीं खड़ा होने दिया, डॉक्टर साहब आप बैठ जाइए,
और मैं खुद आपको पैक करके चीज़ें ला कर देता हूँ। और बहुत हमारे इसरार पर उसने पैसे लिए, मगर उसने पैसे लेने से माशाल्लाह लोगों का प्यार बहुत बड़ा। अरे ये जो आपने बात याद दिलाई, तो इतनी सारी बातें हैं कि जब हम अंदर जो है वो तवाफ़ कर रहे थे, मैंने इससे कहा कि नहीं बिल्कुल करीब नहीं जाना है, जो इस वक्त इतनी भीड़ है, 27 की रात है, वो बिल्कुल आदमी कंजेशन हो जाता है। और इसने कहा नहीं, हम मैंने तो करना है वहाँ पे भी, अल्लाह की कुदरत है कि को भूसा देना है। और वो पाकिस्तानी एक वहाँ पे जो है, वहाँ पे एक पाकिस्तानी जो सफाई वगैरह का काम करता, उसने पहचान लिया वहाँ पे भी इनको, वहाँ पे भी मेरे मुझे निकाला और वो मुझे लेकर गया। और इतना रश होता है कि उसके बाद आप यकीन करें कि वाकई कोई इन चीज़ों को आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। ये कुछ कुदरती ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपकी ज़िंदगी में कि जिसको आप सारी ज़िंदगी उससे महजूज होते रहते हैं खुद ही। तो ये बस कोई वाकई कोई ख़ास करम है, कोई रहमत है कि इतने रश में कोई, मैं इतनी कदावर भी नहीं, ऊपर से अबाया पहना वो पाँव के नीचे, और किस तरह मैंने हजरत असद को बोसा दिया और किस तरह ये सआदत मिली, तो ये उसका बड़ा करम है। और फिर सोचें उसके बाद ईद का लुत्फ, और फिर ईद के खाने और ये सारी इसकी तैयारियाँ, और ईद की नमाज खास तौर पे अमेरिका में हम लोग मस्जिद में जाके पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोगों की आप किस तरह सेलिब्रेट करते हैं ईद, मतलब क्या तरीक़ेकार होता है वहाँ पे नमाज़ें? ये जो बता रही है ना, वहाँ पे नमाज़ें पढ़ने के लिए जो है वो फैमिली जाती है। अच्छा, पूरी मतलब तो सिर्फ मेल जाते हैं, वहाँ पे बेजमात बच्चे सब लोग जाते हैं, वो एक खास चीज़। हाँ, बहुत मज़ेदार होता है, सब मिलते हैं एक दूसरे से, मस्जिद में मिलते हैं, बिल्कुल मस्जिद में मिलते हैं। नमाज पढ़ कर जो आपका वाकिफ नहीं है, जिसको आप नहीं भी जानते, वो आएगा आपको हक करेगा, आपसे हाथ मिलाएगा। अच्छी बात, पाकिस्तानी बड़े यूं दूसरे के साथ ईद के दिन के लिए बहुत पहले से बुकिंग होती है। ईद का खाना आपने हमारे घर खाना है। अच्छा, तो ये फिर सब लोग कम्युनिटी के वो उधर सबके एक राउंड सा चलता है। अच्छा। जब उसके घर में सब इकट्ठे हो गए तो चांद रात का किसी की तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, फिर ईद के दूसरे दिन किसी की तरफ, किसी तरफ। ये तो ईद हो गई, रमजान कैसे गुजारते हैं आप लोग? क्या अफतारियाँ वगैरह, सहरी, जैसे यहाँ पे बहुत ट्रेंड होता है फेस्टिवल, यहाँ तो चैनल्स के अंदर नजर आता है ना, मगर वहाँ पर पर्सनल लाइफ में भी रमजान को इतने प्यार से निभाया जाता है। कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं। हाँ। अगर खाने में देर हो गई है तो कोई शाउट नहीं करता। हाँ। जो मैंने देखा, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, जितने लोगों से मेरी मुलाकातें होती हैं या जो मैंने लोगों को देखा है, कोई गुस्सा नहीं करता। और हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसका रोज़ा इफ्तार कराने की सादत मुझे मिले मेरे घर, बहुत इफ्तार। और लोग इतना खूबसूरत तैयार होकर आते हैं, ग्लैमर भी होता है, सादगी भी होती है। तो रीमा, जब यहाँ से कपड़े बनवा के लेके जाती हैं तो किस किस के कपड़े पहनती हैं फिर इफ्तार पार्टी में, तो फिर ईद पर? सब मेरे जितने भी प्यार करने वाले, वैसे तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स बहुत प्यार करते हैं, मगर ऑफकोर्स आज भी जिनका मैंने इतने पहने, रबी शकील, ये तो बहुत प्यार करती है मुझे, हसन शेरिया, रियासीन, नोमिया, तो बनवा बनवा के ले जाती हैं। बिल्कुल, आसिया साहब, और वहाँ तो सब देखते होंगे फिर कपड़े रीमा ने क्या बनाया है। पूरिया मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी है और उन्होंने मेरे घर को भी डिकोर किया, तो वो भी मेरे लिए खास कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं। फिर बहनें, अम्मी, सब लोग, इतने ढेर सारे मारिया हैं, बहुत ही प्यारी दोस्त हैं, वो जबरदस्त किस्म की कलेक्शन। अम्मी के घर से अभी तक ईदी आती है? अम्मी के घर से आती है, तारे के लिए खास तौर पर जाती है, बल्कि इनकी अम्मी को भी वहाँ के रमजान ज्यादा पसंद आया पाकिस्तान। माशाल्लाह, यहाँ लोग क्या होता है, मुझे एक चीज का अफसोस होता है देखकर कि हम चैनल्स को देखते हैं मगर सारा दिन सो कर गुजारते हैं। हाँ, सही कह रही है, वहाँ ऐसा ही है, लोग काम भी करते हैं। डॉक्टर साहब के मुँह खुश्क हुए होते हैं, इन्होंने ऑपरेशन थिएटर में भी जाना है, मरीजों को भी देखना है, और रोजा कोई नहीं छोड़ते, और उसके साथ साथ इबादत भी, कि पूरा एक होता है कि कुरान पाक जो है वो रमजान के अंदर खत्म करना है। बिल्कुल, तो मैं पहले होता था कि एक दो सिपारे पढ़ लेती थी, मगर अब चूंकि मेरे सारे ससुराल में सब लोग एक कंपटीशन होता है। अच्छा, कि कुरान पाक को पहले खत्म कौन करता है, तो 27वें शब तक सब ने कुरान को, कुरान पाक को खत्म करना होता है, फिर उसको मनाते हैं, उसको बिल्कुल इस तरह से जैसे ईद से पहले ईद आप मना रहे हैं, तो ये बड़ी खूबसूरत रस्म, बहुत प्यारी। अच्छा, आप लोगों के घर का मेन्यू क्या होता है ईद पर, क्या क्या बनता है? सवैया खाने के शौकीन है, पुलाव बनता है या बिरयानी बनता है, पुलाव बनता है, खीर बनती है, मीठे में बहुत सारी चीजें, पूरी बनती है, घर में हलवा बनता है, चने बनते हैं, आलू भाजी बनती है। आप बनाती हैं? मैं ऑफकोर्स, और एक हमारी अम्मा है फजीलत आपा। अच्छा, वो आती है मेरे, मेरी हेल्प के लिए। अच्छा अच्छा, वो मैं उनके साथ मिलकर मिलकर मैं सुपरवाइज कर रही होती हूँ और ज्यादातर चीजें वो बना रही होती। क्या बात है जनाब, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद कुछ हमारे भी अरमान है, हमने
रीमा और डॉक्टर साहब को इस तरह नहीं देखा जो ब्रेक के बाद हम देखने वाले हैं. हम अपने अरमान पूरे करेंगे. एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाएगा. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक. वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक जी. आप लोगों का तोहफा आज का रीमा जी और डॉक्टर तारिक साहब आज हमारे पास मौजूद हैं और अब हम अपने दिल के अरमान पूरे करने वाले हैं क्योंकि इन लोगों की शादी अमेरिका में हुई ना. हमने इनको माइयों की दुल्हन बने हुए देख सके हम. अगर आप लोग यहाँ होते यकीन माने कि आपके रिश्तेदारों को जगह नहीं मिलती. सारे कैमरामैन, सारे ब्लॉगर, सारे जर्नलिस्ट सब घेर के खड़े हुए होते. तो वो जो चीज़ें हमने मिस कर दी ना, तो कोई बात नहीं, 5 साल हो गए हैं तो क्या हुआ. हम थोड़ा अपने दिल के अरमान पूरे करते हैं और हम जो रस्में होती हैं वो हम आज डॉक्टर साहब से करवाएंगे. रीमा की जी, रीमा को हार फूल पहनाएंगे. एक दफ़ा दोबारा से मायो बैठी थी आप? जी बिल्कुल, मायो बैठी थी. और मैं बताऊँ, जब मेरा निकाह था उसको मेहंदी का भी रस्म कही जा सकती है कि निकाह के वक्त गजरे और ताज़े फूलों के गजरे अवेलेबल नहीं थे. हाँ, तो मुझे था कि मैंने आर्टिफिशियल नहीं पहनने. हाँ, तो क्या किया, गुलाब के फूल खरीद कर तो मेरी बहनों ने पिरोया उनको. ओए, और ओए। अगर आपके पास पिक्चर होगी कि मैंने ग्रीन कपड़े पहने हुए बिल्कुल और वो गुलाब के फूलों का गजरा. हाँ, बनाया हुआ है. तो वो निकाह के वक्त फिर वो मुझे पहनाया और आपने संभाल के भी रखा. आपने मुझे एक दिन बताया भी था. 5 साल हो गए हैं, 5 या 6 फूल जो थे उसके अंदर वो आज तक मैंने संभाल के रखे. क्या बात है जनाब. तो ये हो गई शादी की बातें, अब हम आगे बढ़ते हैं. शादी के माशाल्लाह कितने अरसे बाद अज़लान साहब आपकी ज़िंदगी में आए? शादी के 3 साल. 3 साल बाद. 3 साल बाद. अच्छा, जब अज़लान ऑन द वे थे, पाइपलाइन में थे मतलब, तब इनके कितने नखरे हो गए थे, मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना, इसकी स्मेल आ रही है, ये नहीं पकना चाहिए. मेरे ख्याल में जो है वो खाने में तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी. इतनी ये बात बहुत अच्छी थी कि प्रेगनेंसी में वो यूजुअल सिम्टम्स जो होते इतने ज़्यादा नहीं हुए थे उसको. अच्छा, नौजिया वॉमिटिंग वगैरह. हाँ, मेरे ख्याल में थोड़ा सा गोश्त की स्मेल. गोश्त की स्मेल, गोश्त नहीं खा सकते. अच्छा, गोश्त की स्मेल आती थी और कभी कभार वो हो जाता था, चिड़चिड़ी हो जाती थी या कोई जो ऐसे सिम्टम्स होते हैं. नहीं, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हुए.
पाकिस्तान को बहुत मिस करती थी, बट उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं, कोई मुझे वॉमिट नहीं हुई, कोई तबीयत खराब नहीं हुई। हाँ, बर्फ वाले जूसेस पीने को बहुत दिल करता था। अच्छा, वो मैं आधी रात को भी, और कभी जैपनीज या थाई खाने को दिल कर रहा है तो फिर मैं इनको कहती थी मेरा नहीं बेबी का दिल कर रहा है मुझे। अच्छा, डरती कितना थी? डरता है ना हर कोई कि पहला बेबी है, होने वाला है, और आप कितना डरते थे? नहीं, मैं इतना नहीं डरता था, इसलिए मेरा प्रोफेशन है, तो इसलिए आई हैड बेटर अंडरस्टैंडिंग। थोड़ा सा हाँ, इसको कभी कभार खौफ होता था तो मैं रीअश्योर करता था, वैसी कोई बात नहीं। अच्छा, बट आपने हेल्प आउट किया। अच्छा, जब बेबी पैदा हुआ तो उसको संभालना, उसको पकड़ना, अक्सर हस्बैंड्स क्या करते हैं कि वो ना ही बच्चे को उठाते जब बच्चा बहुत छोटा होता है। आप क्या डॉक्टर हैं, जाहिर है तो आप तो हर चीज़ को, नाजुक चीज़ को भी हैंडल कर लेते हैं, तो आपने अपने बेबी को पकड़ा उस वक्त जब वो बहुत छोटा था, जब मर्द नहीं संभाल सकते? हाँ, मैंने पकड़ा, लेकिन इन्होंने और इनके सिस्टर, इनकी अम्मी ने मुझे कभी संभालने नहीं दिया। नहीं क्या तुम्हें नहीं आता? अम्मी थोड़ी वहमी है, अम्मी ज्यादा वहमी है, तो बल्कि कभी तारिक पकड़ते थे तो अम्मी पीछे से मुझे कहनी मारी होती थी, जाओ तुम पकड़ लो फौरन, वो बच्चे की गर्दन देखो कैसे हो रही है, उसकी टांगें कैसे जा रही हैं। तो अम्मी जरा ज्यादा कॉन्शियस थी। अदरवाइज जब अजलान 6 माह का हो गया तो आपको मैंने पिक्चर शेयर, फर्स्ट टाइम मैं वैसे अपने बेबी की पिक्चर्स नहीं करती, मगर ये भी सिर्फ आपकी वजह से हमारे शो पे शेयर हुई है। तो वो 6 माह का जब था और 1 साल की पिक्चर भी मैंने आपको दी थी, तो तब फिर डॉक्टर साहब उसके साथ बहुत उसको गोद में लेते थे। बल्कि अब ये कंडीशन है कि जैसे काम से आते हैं तो पहले कपड़े चेंज करते थे, मुंह हाथ धोते थे, अब सबसे पहले हाथ धोने के बाद बेबी अजलान। हालांकि ये नर्वस होते हैं कि आप हॉस्पिटल के कपड़े में अब नहीं टच करें, हाथ धोए। अच्छा, अजलान के पैदा होने पर रीमा को क्या तोहफा मिला? पैदा होने पे जो है वो मेरे ख्याल गले का वो सेट दिया था। आपने नहीं, गले का एक दिया था और बैंगल डायमंड की बैंगल। अच्छा, इनको सबसे अच्छा तोहफे में लगता क्या है ये? आप इनका सबसे पसंदीदा तोहफा जो है वो हैंडबैग्स। हैंडबैग्स, ओए होए होए होए। तो कभी आपने अपने पसंद के खरीदे हैंडबैग्स या वो ये अपने पसंद के ही खरीद? नहीं, अपने नहीं, उन्हीं की पसंद के जो है ना। अच्छा, 2-3 पसंद है उनकी, वो मुझे पता है। अच्छा, ओए होए होए होए, पसंद। अच्छा, इनका फेवरेट कलर क्या है? फेवरेट कलर मेरे ख्याल में पीच। अच्छा, और आपको इनके ऊपर सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है? पीच। पीच। डॉग्स साहब का फेवरेट कलर क्या है? तारिक डार्क कलर ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा। गर्मियों में सफेद आइवरी कलर, और सर्दियों में जो ब्लैक और डार्क ब्राउन ब्लू। तो इनकी कभी फरमाइश होती है कि रीमा आज ये पहनो तुम, ये फरमाइश कह के आपको तैयार करवाते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं थोड़े ज्यादा अगर सिंपल कपड़ों की तरफ जाऊं तो ये मुझे मना करते हैं कि आप बहुत सिंपल कपड़े मत पहनिए। अच्छा, और ये बल्कि मुझे अभी आज बुशरापा से भी मुलाकात हुई, बुशरा अंसारी साहब। अच्छा अच्छा, तो वो मुझे मिली, कहती है शुक्र है भाई तुमने भी कोई गोटे वाले कपड़े पहने। अमूमन लड़कियां बहुत ग्लैमरस कपड़े पसंद करती है, एक्चुअली इतनी ग्लैमरस लाइफ गुजारी है माशाल्लाह कि मुझे जितने वो सिंपल कपड़े हों तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अब मैंने अपनी आदत चेंज की है, जो इनको अच्छा लगता है कि इस तकरीब में आप कुछ ज़्यादा थोड़ा हैवी कपड़े पहने तो फिर मैं पहन लेती हूँ। आपको क्या लगता है एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने की टिप क्या है? डॉक्टर साहब से आज ये टिप पूछ रहे हैं हम, और रीमा जी आप भी बताइए। सबसे आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट इज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ फिर ऑब्वियसली जो है अंडरस्टैंडिंग, और मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कि हमारी नेचर भी मिलती है, तो इट वाज इजी कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत इजी डेवलप हुई। हालांकि आपने भी पूछा, सब लोग पूछते हैं कि भाई वो जो है वो मूवीज़ में थी और उनका डिफरेंट प्रोफेशन था और मैं मेडिसिन में था, जो कि लोग समझते हैं बड़ा सीरियस प्रोफेशन है, बट लेकिन हमारी ज़्यादातर चीज़ों में हमारे ख्याल भी मिलते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग हद मामले में बड़ी अच्छी रही है। तो आई एम वेरी लकी कि इतनी दूर से हम हमारी जो अरेंज हुई और इतने दूर के बाद इतना डिफरेंस जो है, पाकिस्तान का ये, शी वाज इन पाकिस्तान का, मैं अमेरिका में, मैं मेडिसिन में, शी वाज इन द मूवी, बट थैंक्स गॉड। लेकिन जो लोगों के लिए मैं ये चाहूँगा कि अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो और अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो फिर आप उसके काम को, उसकी शौक़ को, उसकी जो चीज़ें, उसको आप वैल्यू करेंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे, हर चीज़ को आप रिजेक्ट नहीं कर देंगे। एक बात बड़ी अच्छी जो मुझे इन दोनों के बीच में लगी वो ये कि जब लड़की की शादी होती है तो वो अपने मैके को, अपने घर वालों को तो छोड़ के जाती है, मगर रीमा सिर्फ अपने घर वालों को, अपने मैके को छोड़ के इनके पास नहीं गई, बल्कि वो पूरी ग्लैमरस लाइफ जो कि हर
खातून का, हर लड़की का ख्वाब होता है, ग्लैमर हर तरफ, फैन फॉलोइंग, वो सब छोड़ के डॉक्टर साहब के पास गई हैं, मगर डॉक्टर साहब इनकी कदर करते हैं और यही सबसे बड़ी बात। और अभी इन्होंने बहुत खूबसूरत बात की अनिदा, कि जैसे जिसको आप अपनी ज़िंदगी में लेकर जाते हैं और वो आपको खुशियाँ दे रही है, तो आप भी उसकी खुशी का एहतराम करते हैं। मेरे लिए सबसे फ़ख्र की बात ये है कि हमारी फील्ड के अंदर कुछ इस तरह के वाकयात होते हैं कि जिसकी वजह से शादियाँ सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं, और अगर होती हैं तो कुछ ना कुछ खबरें सुनने को मिलती रहती हैं, बिल्कुल, जो एक बहुत बड़े दुख का बाइस भी है। मगर मेरे ऊपर ये बहुत भारी जिम्मेदारी थी कि एक तो फिल्म इंडस्ट्री का एक लेबल है मेरे साथ, हाँ। और जो मेरे लिए फखर की बात है, हाँ। मुझे इस चीज़ पे फखर होता है, मेरे, हाँ। मुझे अपने प्रोफेशन, लेकिन माशाल्लाह आपकी मिसालें दी जाती हैं यहाँ, इतनी रिस्पेक्ट इसीलिए है कि ये यहाँ पे भी इनका एक बहुत अच्छा इमेज बना हुआ है और घर की लाइफ भी ये निभा रही हैं आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से। तो एक आपने ना एक वो कहते हैं कि एग्जाम्पल सेट की है हमारे कल्चर में कि ये देखो ये ग्लैमरस भी है, ये हाउसवाइफ भी है, ये एक माँ भी है, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट। सबसे बड़ी बात कि आप अपनी फील्ड की रिस्पेक्ट करवाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, एक ऐसी फैमिली से या एक ऐसी कम्युनिटी से, हाँ। जो शायद उस नजर से नहीं देखता शोबिज को, जी, जी, जो हम लोग देखते हैं और महसूस करते हैं, बिल्कुल, तो उनके परसेप्शन को चेंज करना, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करना और अपने प्रोफेशन की रिस्पेक्ट कराना, उनकी नजर में बनाना, बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मुझ पर, जो मुझे शुक्र है कि इस चीज को मैं बहुत अहसन तरीके से निभा। माशाल्लाह वही मैं कहता हूँ कि इसकी जो चीज़ जो है वो मैंने चेंज करने की ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ये जो मैं आपकी पहली बात थी कि जिसको मैंने कहा कि रिस्पेक्ट और लव में जो लुट और सारे मैं पाकिस्तान के सारे मेंस को बॉयज़ को ये मैसेज देता हूँ, और मेरे पास सारे स्टूडेंट्स भी आते पूछते हैं कि भैया आपके कैसे हैं और आप जो उनको सब चीज़ करने देते हैं, मैंने यही कहा कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और किसी से इज्जत करते हैं तो फिर जो वो करते हैं उसको समझते हैं आप, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बिल्कुल। और उसकी मिसाल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा जी, कि वहाँ पर मैं अमेरिका में इतने सालों से, मैंने वहाँ सारी ट्रेनिंग की, पढ़ाई की, डिफरेंट स्टेट्स में था जहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स नहीं भी होते थे, जी जी, तो मैं वहाँ जो है चिकन भी खाता था, हर चीज़ खाता था जो गैर सभ्या होती है, जिनको कुछ लोग खाते कुछ लोग नहीं खाते, कुछ लोग सही। रीमा से जब मेरी ये बात पक्की हुई तो इन्होंने फ़ोन पे मुझे एक दिन कहा कि जो है वो मैं तो नहीं खाती और मैं नहीं चाहती कि आप गैर सभ्या खाएँ, इन्होंने मुझे उस दिन से मैंने छोड़ दिया। तो अब उसके बाद ये होता है कि मैं कहीं इंपॉर्टेंट डिनर पे भी हूँ या हॉस्टल में भी हूँ या ऑफिस में भी हूँ, चिकन नगेट्स आते हैं, बड़े अच्छे किस्म के फ्राइज़ आते हैं, लोग कहते हैं कि खाइए, तो मैंने कहा कि मैंने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, मैंने बोला मैं इस बहस में नहीं हूँ कि वो सही है कि गलत है, वो तो एक अलग आर्गूमेंट है, लेकिन रीमा की ख्वाहिश नहीं है तो मैं नहीं खाता। क्या बात है, तो अच्छा अगर मैं आपसे पूछती हूँ, अगर किसी की रिस्पेक्ट करेंगे तो रीमा जो, और रीमा माशाल्लाह इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि चाहे वो मूवी में काम करती हैं, चाहे वो मॉडलिंग का काम करती हैं, जब मैंने उनको देखा और पसंद किया तो शी वाज डूइंग दैट, तो अब शादी के बाद तो वो चेंज नहीं हुए, बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट हर दैट शी कैन अंडरस्टैंड एंड शी कैन डिसाइड क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जब आप एज ए स्पाउस डिक्टेट करें तो आप अपनी ख्वाहिश को डिक्टेट कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए उसकी ख्वाहिश का और वो जो चाहती है और जिससे वो सेटिस्फाई होती है, और इसमें ये फायदा होता है कि फिर देन शी रिस्पेक्ट्स माय फीलिंग्स, यस एग्जैक्टली, ये मुझे पता चल गया, राज पता चल गया माशाल्लाह। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा आप तराजू में तोलें, रीमा अच्छी बीवी या रीमा अच्छी माँ, तो आप क्या कहेंगे, ये कहाँ पलरा भारी होगा? ये बहुत मुश्किल है, ऑल्दो कि मैं अभी फील करता हूँ कि ये ज्यादा अजलान को अटेंशन देती है। होता है डॉक्टर साहब को शिकवा के भाई हम जरा हमें भी टाइम दे दें, अब कहते हैं हाँ। क्योंकि बहुत अरसे से मैं अजलान के साथ दूसरे कमरे में सोती हूँ, अच्छा, कि इनकी नींद डिस्टर्ब ना, उन्होंने सुबह उठकर हॉस्पिटल जाना है और 8-10 घंटे काम करना है, हाँ। और एक एक मरीज को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं अजलान को ट्रीट करती हूँ, ऑनेस्टली, ये अपने काम से अपने मरीजों से इतना प्यार करते हैं पूरी डिवोशन के साथ, पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ, हाँ। और कई दफ़ा तो मैं इनके मरीजों से कभी पूछूं, कभी मेरा इत्तफाकिया विजिट हो जाए इनके ऑफिस, तो वो कहते हैं कि हम ठीक भी हो जाएं तो हम सिर्फ इसलिए विजिट पर आते हैं कि हम डॉक्टर साहब की स्माइल बहुत अच्छी लगती है, हाँ, और डॉक्टर साहब के से मिलकर हमें लगता है कि हम आदत ठीक हो गए। अच्छा वैसे आपको डॉक्टर साहब के अंदर सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है, उनकी आदत में, उनके फिजिकल अपीयरेंस में? सारी आदत अच्छी, स्माइल, ये हुई ना बात। अच्छा
अगर ये नाराज हो जाए तो आप मनाती कैसे हैं? मैं निता, मैंने पहले भी बोला है कि मैं अना को नहीं लेकर आई अपनी ज़ाती ज़िंदगी। नहीं, मनाने का तरीका ये कि एक तो इनका जो फेवरेट जो भी खाने के शौकीन है वो मैंने उस दिन बनाया होता है बहुत अच्छी तैयार होकर, और जैसे आते हैं तो मैं मुस्कुरा कर हग करनी लड़ाई खत्म, कोई नाराज। और डॉक्टर साहब कैसे मनाते हैं रीमा को, या ये मनने में टाइम लगाती हैं जरा? नहीं, टाइम नहीं, दैट इज़ द गुड थिंग, कि किसी चीज़ को भी वो ज़्यादा लिंगरिंग ऑन नहीं करती। अच्छा, वो जब बस एक मतलब मैंने अगर अप्रोच कर लिया, बात कर लिया प्यार से, बस थोड़े से प्यार से बात करना होता है। नहीं, कभी कोई पाँच सालों में कोई फिल्मी तरीके से आपने मनाया है कभी इन्हें? फिल्मी तरीके से फूल ले आए हों, गजरा ले आए हों, फ्लावर्स इन दी तंजोरी है, ओए होए, फूल और परफ्यूम, फूल और परफ्यूम मेरा फेवरेट जो है, तो वो फिर जाकर लेकर आते हैं और साइड टेबल पर बहुत सजा कर रखा होता है, और वैलेंटाइंस डे पर खास तौर पर जाते हैं बहुत छुप कर, मेरे लिए खामोशी से, अब एक ही घर में हम दोनों रह रहे हैं, अब एक दूसरे से चीजें छुपा कर रखनी है, पता नहीं, और वैलेंटाइंस डे पर हमने एक दूसरे को देनी है, तो उस दिन तैयार भी होना है, और फिर बाहर लेकर जाते हैं खाने पर, फिर मुझे बहाने चाहिए आपस में खुशियों को सेलिब्रेट करने के, तो उसके अलावा फिर ईद का त्यौहार हो गया, मेरी बर्थडे हो गई, इनकी बर्थडे हो गई, न्यू ईयर ईव हो गई, तो ये कहते हैं कि हर दफ़ा नया तोहफा, यार ये बेगम जो है ना, अब क्या, ये कैसे, मगर ये कि हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब की मेमोरी बहुत अच्छी है ना? बहुत अच्छी। अच्छा, की अभी अभी आप बिल्कुल नहीं बोलेंगी, आप चुप रहेंगी, सही है डॉक्टर साहब? जो आप अभी अजलान की माशाल्लाह सालगिरह हुई थी, तो हर कोई आया था शो बिजनेस से, किस किस का नाम आपको याद रह गया? रीमा ने बिल्कुल नहीं बताना है जी, हमारे फिल्म एक्टर्स का या शोबिज पर शान भी आए थे, इज अ वेरी सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह, ये है ज़ेबा जो है उनके, ऑब्वियसली शी इज ज़ेबा मोहम्मद अली जी, जी वो भी वहाँ पे आए थे, ओके, रैम्बो और उनकी वाइफ जो है शेबा, साहिबा, साहिबा, क्यूट, हां जी, और वो भी आए, उमर शरीफ, अरे आपने नहीं बताना ना, उनकी मेमोरी टेस्ट उमर शरीफ भी आए हुए थे, अरबाज भी आए हुए थे, उनके सारे, ओए होए होए, डॉक्टर साहब की तो अच्छी खासी मेमोरी है, मुस्तफा कुरैशी भी आए हुए थे, ओए होए होए भाई, वो गुलाम मोहिद्दीन भी आए हुए थे, गुलाम मोहिद्दीन, क्या बात है। अच्छा, खाने का मेन्यू क्या था? मैं बताती हूँ निता, सॉरी एक चीज ऐड कर दूं, शादी से पहले जब किसी ने पूछा डॉक्टर साहब आपने इनकी फिल्म, इनका हमें फिल्मों का ही पता नहीं, तो मुझे उस वक्त मेरा दुख जो है कम हो गया जब इनको शाहरुख और ऐश्वर्या का भी नहीं पता, और आज ये मेरी बहुत बड़ी जीत है कि मेरे जितने कोलीग्स हैं जिनके साथ मैंने काम किया है, वो मेल हैं, वो फीमेल हैं, वो सबके नाम तारिक को मालूम है, क्योंकि ये सब के सब मेरे लिए बहुत इज्जत की जगह है, मेरे दिल के सब बहुत नज़दीक हैं, तो मुझे होता है कि मेरे ये तमाम कोलीग्स, इनके बारे में, इनके काम के बारे में तारिक को पता होना चाहिए, और अब जब टेलीविजन देखते हैं तो मैं इनको बताती हूँ, ये नई लड़की आ रही है, ये नया लड़का है, ओए होए, तो मैं उनके नाम भी बताती हूँ इनको। अच्छा, माशाल्लाह रीमा एक्ट्रेस भी हैं, मॉडलिंग भी करती रही हैं कमर्शियल्स में, और फिल्म स्टार तो जाहिर है ही, सबसे बहुत ही प्यारी फिल्म स्टार है, डायरेक्शन भी की है इन्होंने और होस्टिंग भी की है। अब डॉक्टर साहब ज़रा आपका टेस्ट हो जाए ना ज़रा, डॉक्टर साहब हमें ब्रेक पर जाना है, हमारे शो का नाम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान है, पहली दफ़ा आप स्क्रीन पर अपेयर हुए हैं, ये आपका कैमरा है, आपने ब्रेक पे जाना है डॉक्टर साहब, आपका टाइम शुरू होता है अब। अच्छा, कमर्शियल ब्रेक है, बस बड़े बड़े मजे मजे की बातें हो रही ईद पे, और खास तौर पे निदा से यहाँ ARY में, बट छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर दोबारा बातें शुरू करते हैं। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज ये खूबसूरत सेट जो आप देख रहे हैं ये हमने सजाया है खास तौर पे रीमा जी और डॉक्टर तारिक साहब के लिए, कि ग्रैंड आज शो कर सकें इनके साथ ईद का, और सबकी खुशियों को दुबाला कर सकें। अच्छा, जब रीमा पाकिस्तान आती हैं कुछ दिनों के लिए आपसे दूर होती हैं, तो जब इनकी दूरी के दौरान आप कौन कौन सी बातें रीमा जी की मिस करते हैं? रीमा जी सारी बातें मिस करता, पहले तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसलिए डॉक्टर साहब के दिल की धड़कन, दिल के डॉक्टर की धड़कन तेज। लेकिन ये कि जो है सबसे ज़्यादा जो है वो फिर खाने में मेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, इसलिए हाँ रीमा के साथ जो खाने में मज़ा आता है तो फिर वो मिस करता हूँ मैं, और इसलिए खाना जो है वो फिर क्या अपने हाथ से निवाले बना बना के खिलाती हैं क्या? मिस निवाले भी खिलाते हैं, बट जब खाना ये बनाती हैं बड़ा टेस्टी होता है, साथ बैठ के खाने में, गपशप करने में, पूरे दिन के काम के बाद जो मज़ा आता है वो वैसे नहीं आता। अच्छा, आप दोनों में से ज़्यादा बोलता कौन है? रीमा जी बोलती हैं ज़्यादा या आप? रीमा ज़्यादा अच्छा गपूड़ा कौन है? रीमा रीमा और ज्यादा अच्छा लिसनर कौन है?
दोनों एक दूसरे की सुनते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं। और ये क्योंकि CNN बहुत देखते हैं और NBC बहुत देखते हैं, तो मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया। अच्छा, वहाँ की जो पॉलिटिक्स है क्या हो रहा है, क्योंकि मुख्तलिफ तकलीफात में जब जाना होता है तो कोई सवाल करे तो ये नहीं होता कि हमें कोई नॉलेज नहीं हो, तो इसलिए तारीख यानी आप पनामा पनामा क्या है नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, बल्कि ना सिर्फ अमेरिकन चैनल्स बल्कि पाकिस्तान के हमारी जितनी भी न्यूज़ बुलेटिन हैं वो 7 बजे की प्राइम टाइम की, जो 9 बजे की, वो ज़रूर ये और मैं दोनों देखते हैं ताकि हमें पता चले कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूँ कोई ऑफ़र हो आप लोगों को, अब ना एक साथ कोई ड्रामा या कोई फिल्म, तो ज़ाहिर है आप टाइम नहीं दे सकेंगे, कोई एक सिंगल प्ले दोनों मियाँ बीवी को ऑफर हो जाए एक साथ, तो क्या करेंगे आप, हामी भरेंगे कि नहीं? नहीं, मेरा ये कहना है कि वो रीमा का प्रोफेशन है मूवी के अंदर या जो काम है ड्रामा का काम हो, मेरा है मेडिसिन का। तो कोई कमर्शियल ऑफर हो जाए, अच्छा चले कोई कमर्शियल के, आपने बस मुस्कुराना है, आपने डॉक्टर ही बनना है उसमें। मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं है, वो रीमा अगर इस तरह चल गई आपको अपना डॉक्टर का कोट आपको ही पहनना है। तो अगर रीमा जी आपको कहेंगे कि ये इश्तिहार तो भाई बहुत अच्छी ब्रांड है, ये तो हमने करना है, तो क्या आप राजी हो जाएंगे? तो रीमा जी बात तो नहीं डाल सकते। ये उनको मालूम है कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कहूँगी जो उनके शायान निशान ना हो या जो उनकी पर्सनालिटी को सूट ना करती हो, और मैं खुद कोई ऐसी चीज़ नहीं करूँगी कि जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा भी कुछ बुरा लगे। बल्कि अभी मैं बताऊँ आपको कि मैं आई हुई थी पाकिस्तान, तो मैंने एक कमर्शल किया है अपने कलीग के साथ, शान के साथ, और उसका ज़बरदस्त रिस्पांस मिला। और बल्कि उसको जब मुझे उसकी ऑफ़र हो रही थी तो बहुत सारी बातें हो रही थी मैं करूँ ना करूँ, तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा तारिक मेरा इंटरेस्ट है, मैं ये करना चाह रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है, अगर आप समझती हैं कि आप ये करने के बाद आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लग रही तो आप कर सकती हैं। क्या बात ये, है ये इनका बहुत बड़ा फल। अच्छा, अगर आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो किस, बल्कि शान से मुलाकात हुई थी। अच्छा, हमारे बेटे की बर्थडे पर। हाँ, तस्वीर भी है हमारे पास। जी बिल्कुल, जैसे मेरी आमना के साथ उनकी मिसेस के साथ एक बहुत अच्छी दोस्ती डेवलप हो गई, तो उनके डॉक्टर साहब के साथ, वो एक ही डॉक्टर साहब से कहे, डॉक्टर साहब देखे आप मेडिकल का काम करें मगर जिसका काम उसको साझे, ऑन एंड ऑफ भेजते रहे पाकिस्तान ताकि ये यहाँ पर भी अपीयर होती रहे। तो सो स्वीट ऑफ हिम, बिल्कुल बिल्कुल, क्या कहना भी इनके लिए बहुत खास था। क्या बात है, जब लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप दोनों एक साथ जाएं तो किस किस्म के गाने गाड़ी में चलाते हैं, स्लो या वो एक धमाके वाले गाने, डिस्को धमाके वाले? नूरजहां के भी होते हैं। अच्छा, मेहंदिया संसार के? कोई दुखी गजलें तो नहीं होती? नहीं नहीं नहीं, रोमांटिक होते हैं, चांदनी रात। हमें दुख पसंद ही नहीं, माशाल्लाह। खुशियों का दिन है, अल्लाह मियां हर घर को दुखों से पनाह दे और बचा के रखे। मुझे होता है कि जितनी भी अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है इसमें खुशियाँ अपने दामन में समेटो और खुशियों को बांटो, और वो तभी होता है कि सबसे बड़ी चीज है मुस्कुराहट सदका जारिया। आप किसी को कुछ नहीं दे सकते, मुस्कुराहट ही दे सकते हैं। तो मुस्कुराते रहे, आपकी अपनी शक्ल भी अच्छी लगती है, दूसरे की आंखों को भी अच्छा लगता है, तो हम हर लम्हे को, जिंदगी की हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं। खुदा ना खास्ता कोई टेंशन वाली बात भी हो तो हम दुखी जरूर हो जाएंगे, मगर फिर उस दुख से एक दूसरे को निकालने की कोशिश करें, फौरन निकाल लें। अच्छा, कौन खुशियों को ज्यादा बेहतर तरीके से सेलिब्रेट करता है आप दोनों में से? बर्थडे वो कोई वो है रीमा? मारी 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 मारी, ओए ओए। डॉक्टर साहब, रीमा का ज्यादा हाथ बटाने में किस काम में आगे रहते हैं? मैं कोशिश होती है हर चीज में, हर चीज में, लेकिन फिर भी ज्यादा खाना या लगान ये सर्व कर रही हो तो मैं भी कहता हूँ, अगर कहते हैं आप बैठ जाए खा ले पहले, ये जो स्पेशली इन लोग की और लाहौर की, लाहौर वाले काफी मेहमान नवाज होते हैं, तो ये जो है कहते हैं, इनकी अम्मी भी कहती है आप बैठ के खाएं, मैं कहता नहीं जब सब आ जाएंगे तभी मैं बैठ जाऊंगा, मैं भी हेल्प करूँ। और मैं बताऊँ, हमारे घर में एक दावत थी तो मीठा अमूमन वहाँ पर जो देसी मीठे बनते हैं तो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, अब आपके मॉर्निंग शोज में इतने आप टिप्स देती हैं इस्तेमाल करने के तो लोग अब बहुत उसको फॉलो भी करते हैं। अच्छा, तो कहते हैं कि नहीं जी अब ये आपने जर्दा बना दिया, ये गुड़ वाले चावल बना दिया, ये सेवैयों की खीर बना दी, तो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। तो मुझे था कि मैं ऐसा क्या मीठा बनाऊँ जो लोग खाएँ भी, और खाना होना फ्रूट की तो ट्रे बनी हुई है, सजी हुई है। तो तारिक मुझे कहती है अभी आप ये जेली बना रही हैं और कस्टर्ड बना रही हैं, 7:45 हो गए, 7:30 का टाइम है, तो 30-40 मिनट्स में तो लोग आना शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल आप पैनिक ना हो, घबराए मत। अच्छा, और मैंने मेरे ख्याल 15 मिनट में जाकर फ्रूट ट्राइफल मैंने बनाया क्रिस्टल के बाउल के अंदर,
वो इतना खूबसूरत और जो उसका जायका सबसे पहले वही खत्म हुआ और सबसे पहले वही खत्म हुआ क्योंकि सबने मुझसे पूछा और लोगों को एक का एक बात का यकीन था कि ये झूठ नहीं बोलेगी। अमूमन लोग दूसरों को मुतासर करने के लिए नहीं नहीं मैंने इसमें मीठा नहीं डाला नहीं इसमें मैं जो चीज डाली है मैं बता दूं ये नहीं कि सिर्फ जायके के लिए तो मैंने शुगर ऐड नहीं की थी और मैंने जो फ्रूट का मीठा था उसी के साथ रेसिपी पूरी ही बता देना ईद पे बना लेंगे लोग अच्छा अच्छा घर में एक कस्टर्ड की लेयर दी उसके ऊपर थोड़ा केक जो आप प्लेन केक लेते हैं उसकी एक लेयर दे दी फिर एक जेली की लेयर दी फिर फ्रूट की एक लेयर दी जो कैन के अंदर फ्रूट होता है उसकी फिर उसके बाद इसी तरह दोबारा लेयर देकर जो फ्रेश फ्रूट होता है उसको छोटा छोटा काट कर उसकी एक लेयर दी और फिर ऊपर जेली और थोड़ी टॉपिंग और चीनी नहीं डाली चीनी मैंने कोई नहीं कस्टर्ड में भी नहीं कस्टर्ड में भी नहीं और आप जब उसको खाएंगे वो एक इतना मजा आपको आएगा और वो यूं छटपट खत्म होगा क्या बात है थोड़ी बहुत तो चीनी इसमें होगी फ्रूट की अपनी चीनी होगी और मैंने केक की होगी मैंने स्किम मिल्क में बनाया मैंने कस्टर्ड भी स्किम मिल्क में बनाया और केक कौन सा वाला था उसमें चीनी नहीं केक केक प्लेन केक प्लेन केक जरा सी उसमें होगी और वो चट हो गया और वो चट हो गया फिर यूं करके लोग खा गए अच्छा अच्छा बल्कि मेरे मियां को नहीं मिला बाद में एक आध चम्मच रह गई जो मैंने सफाई करते मैंने कैसा बनाया अच्छा कौन कॉन्शियस है ज्यादा अपनी लुक्स के बारे में कपड़े कपड़ों के बारे में नहीं फिटिंग अच्छी नहीं है दोनों डॉक्टर साहब हम लोग लूज कपड़े पहनने से दोनों परहेज करते हैं क्योंकि उसमें आप फिगर कॉन्शियस नहीं रह जाते तो एक शेप नजर आनी चाहिए ताकि आप कहीं पर भी अपीयर हो तो आपको पता चले कि आप अच्छे लग रहे हैं वरना आप जब बहुत खुले खुले कपड़े पहनते हैं फिर आप मोटे कहाँ से हो रहे हैं आपको पता भी नहीं आपको पता नहीं चलता आप कॉन्शियस नहीं रहे अच्छा आप तैयार हो के एक तो होता है ना हर औरत की आदत होती है शीशे में तो देखती है लेकिन फिर जाके मियाँ से भी जरूर पूछती सुनिए मैं कैसी लग रही हूँ ये पूछती हैं आपसे और मैं होता हूँ लेट हो रहा जल्दी चलो तो ये बुरा लगता है कि तारीफ क्यों नहीं की कभी ऐसा हुआ डॉक्टर साहब आज तक माशाल्लाह 5 सालों में आपने कपड़े चेंज कराए उनसे नहीं एंडी मैं ये तुम्हारे पर सूट नहीं करे दूसरा चेंज करो और उन्होंने चेंज कर लिया किया सिंपल थे अच्छा कि नहीं थोड़े ग्लैमरस पहन कर आओ अच्छा कहीं जाना हो जहाँ पता हो मुझे कि सब लोग ड्रेस अप हो क्या और ज्वेलरी में भी पहले मैं बड़े बड़े कानों में नहीं पहनती थी गले में नहीं पहनती थी शादी के बाद जो कि इनकी तरफ से भी बहुत अच्छी ज्वेलरी मिली अम्मी की तरफ से भी कुछ मेरी अपनी भी थी जी तो वो फिर अब मेरे पास मौका है ये कहते हैं कि नहीं आप पहने फिर मैं मेरी सास को खास तौर पर होता है कि सुहागन जो है उसके चूड़ियाँ भरी हुई हूँ बिल्कुल फिर चूड़ियाँ अम्मी जब अम्मी के सामने जाना हो तो अगर मैंने उतार के रखी हो तो फटाफट चूड़ियाँ ढूंढ रही होती हैं कि अम्मी के सामने पहन कर जाना है और नोज जब है तो पहनना चाहिए ना लॉकर में रखने के लिए तो नहीं है अच्छा जब रुखसती हुई थी तो ये रोई थी मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ डॉक्टर साहब हाँ तो फिर उस वक्त कौन था चुप कराने वाला या आपको थोड़ा सा कुछ हुआ क्या है कि तुम्हें ज़्यादा ही दूर लेके जा रहा हूँ नहीं कुछ हुआ तो मैंने मैंने सपोर्ट किया इनकरेज किया जो है हालांकि उस वक्त तो इनकी अम्मी और सिस्टर्स वगैरह भी थी कभी ऐसा तो नहीं होता जैसे किसी बात पे इनको रोना जो तो आप कहते हैं भाई तुम तो एक्ट्रेस हो तुम्हारा तुम आराम से तुम्हारे आंसू निकल आते हैं कभी ऐसा नहीं रोना आता कभी ये नहीं कहता मैंने क्योंकि मेरे मियाँ अक्सर मुझे कहते हैं अच्छा। कि लो तुम रो रही हो अब एक्टिंग शुरू नहीं इसमें मैं इनके इनके इन इनके दोस्तों और इनके कलीग्स की तारीफ ठहरूंगा सब ने मुझे इनके सारे दोस्त जो रैम्बो सहबा और शान सब ने कहा था कि ये बड़ी सेंसिटिव है अच्छा तो डॉक्टर साहब आप ख्याल रखिएगा जनाब टाइम खत्म हो गया बात जी के अगर मैं कभी बीमार हूँ कोई भी बीवी बीमार हो तो वो थोड़ा एग्जेजुरेट करती है कि मेरे सर में बहुत दर्द है कमर में बहुत दर्द है मेरी जब तक बर्दाश्त से बाहर कोई चीज़ ना हो तब तक मैं तारीख को नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे होता है कि ऑलरेडी इतना प्रेशर में काम कर रहे हैं और मैं इनको डिस्टर्बेंस वाली कोई भी बात ना करूं जो इनको डिस्टर्ब करे तो क्या करते हैं फर्स्ट एड बॉक्स खोल के गोलियां हाजिर कर देते हैं नहीं गोलियां नहीं सर के दर्द की गोली हम दोनों बेसिकली कोशिश ये होती है छोटी मोटी चीजों ये दवाई खाने से मना करते हैं कि नेचुरली आप ठीक हो जाएंगे अरे डॉक्टर साहब मना करें अरे एक चीज जो इनकी हमारे कभी कोई चोट लग जाती है तो हमारी अम्मिया कहती थी गरम कपड़े की टकोर कर दी तारे क्या करते हैं कितनी बर्फ लेकर आ जाते हैं उल्टा बहुत चेंज हो रही है ठंडी ठंडी चीज जो चोट लगने में बर्फ लेनी चाहिए इसकी बात जो है ना तबीयत खराब होने की तो खैर उसने सही कही लेकिन ये कि ये छोटे से कीड़े से भी फौरन डर जाते हैं अच्छा और एक छुपकर ही आती है तो बिस्तर पे चढ़ जाती है बिल्कुल बिस्तर क्या कमरे से भाग जाते हैं तो वो एक मरतबा जो है वो कभी इससे मुझे डिस्टर्ब नहीं किया ऑफिस में या परेशान नहीं किया
एक मरतबा जो है ये बाथरूम के अंदर जो है, और बाथरूम से हमारा रास्ता है टेरेस का, अच्छा, तो एक छोटा सा बग आ गया, अच्छा, और ये टेरेस के रास्ते से बाहर चले गए और वहाँ से खड़े होकर देख रही थी उसको, देख रही, और मुझे फ़ोन किया ऑफिस कि जल्दी आ जाए, ये जो है ये बग आ गया। मैंने बोला क्या हुआ, बग आ गया? तो जब तक ये मैं ऑफिस से आया, जब तक आधे घंटे तक ये खड़ी भी बट तो देखती रही कि इधर उधर भाग ना जाए। वॉच करती फिर मैंने आके उसको पकड़ा, तो उसके बाद जो इसकी जान आई है। क्योंकि वहाँ पर एक छोटी सी मक्खी भी घर में आ जाए ना, हाँ, तो वो बहुत बड़ी चीज़ लगती है। हाँ, जाहिर की सफाई होती है, सफाई का बहुत होता है। हाँ। और मुझे याद है कि अब मेरा बेटा हर चीज़ को समझता है, 2 साल का हो गया, हाँ, माशाल्लाह। तो वहाँ पर तो वो मक्खी भी अगर नजर ही नहीं आती, हाँ, अब यहाँ पर जब हम आते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें नजर आती हैं, तो फिर वो बड़ा इंजॉय करते हैं, मामा मामा। मैं कहती बेटा इंजॉय कर, इसको इंजॉय इतनी प्यारी बातें माशाल्लाह आप दोनों ने की हैं, बहुत मजा आया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे पहली दफा मिली हूं, आपसे मिलने का, आपकी बड़ी तारीफें सुनी मैंने रीमा से हमेशा, और मैंने कहा था कि ठीक है कभी अगर मौका मिला और पाकिस्तान आए तो जरूर आपके प्रोग्राम में आएंगे, और आज खुशी है कि ऐसे ये वादा पूरा हो गया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया पाकिस्तानियों को भी मेरी तरफ से, बहुत बिल्कुल मैं यही कहना चाह रही हूँ, बहुत ईद मुबारक पाकिस्तानियों के लिए, तमाम पाकिस्तानियों के लिए, आप लोग हमारे दिल में, और रीमा जो है वो पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन उनका दिल भी पाकिस्तान में रहता है हमेशा, ये ज़रा मुश्किल होती है मुझे, और और हमारा भी दिल ऑफ कोर्स पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की फलाहबादी के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए हमारे जज्बात हैं हमेशा के लिए, और जब भी मौका मिलता हम आते और आते रहेंगे इंशाल्लाह, और आप सबों को बहुत बहुत ईद मुबारक। क्या बात है भाई, रीमा जी अब आपकी बारी। पहले तो नीता आपका शुक्रिया, ARY की पूरी टीम का शुक्रिया, आपने जब भी बुलाया है बहुत प्यार करती हैं, बहुत इज्जत देती हैं, इस इज्जत को, इस प्यार को मैं कभी भी नहीं भूलती, और ना हम दोनों इस प्यार को कभी भूलेंगे, और आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं अपने तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर से ईद की खुशियाँ, आपको मुबारक हों, और यही कहूँगी कि ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, और इस मुख्तसर से ज़िंदगी में खुशियाँ बहुत कम हैं, इसलिए कोशिश करें कि अपने हर लम्हे को खुशी में तब्दील कर दें, मुस्कुराहट अपने चेहरे का हिस्सा बनाएं, किसी से कोई नाराज़गी है तो उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि थोड़ी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें, और अपनी दुआओं में हमेशा लोगों को हमेशा याद रखें। क्या बात है जनाब, क्या बात है, देखा पसंद आया आपको हमारा प्रोग्राम, मैंने वादा किया था ना आपसे ज़बरदस्त शो करेंगे हम इन लोगों के साथ, तो ये था आपका ईद का तोहफा। अब इस प्रोग्राम को देखने के बाद अपना दिन गुजारें खुशी खुशी, और ख़ास तौर पर मियाँ बीवी कुछ सीखें, कुछ समझें, और आज का दिन होना चाहिए रोमांटिक, क्योंकि आज आपने सुबह सुबह देखा है और आप मिले हैं डॉक्टर तारिक साहब से और रीमा जी से। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक, खुदा हाफिज़।